हुगली महानगर के नवनगर में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी को गणपति उत्सव की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गणपति के स्थापना का कार्य जो आपने यहाँ किया है वो आगे भी इस तरह से नियमित रूप से चलता रहे। आप सब इस गणपति मंडल के भावना के साथ जुड़े रहे और भारत में एक महान राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक और हमारे देश के नेता श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिस उद्देश्य से गणपति की स्थापना हमारे देश में कराई, वो उद्देश्य इस देश में पूरा होगा, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी नागरिक बंधुओं से इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपसे बहुत अच्छे से कन्नड़ भाषा में बात नहीं कर सकता, इसलिए कन्नड़ हिंदी मिलाकर आपसे मैं बात करूंगा। मुझे इस गणपति मंडल के आयोजन में जो विषय दिया है आपसे संवाद करने का, वो विषय है कि लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक ने गणपति आंदोलन या गणेशोत्सव का अभियान हमारे देश में क्यों चलाया, कैसे चलाया, उसका हमारे देश को क्या उपलब्धि हुई और आज हमारे देश में ये किस स्वरूप में स्थापित है। आप सभी जानते हैं कि भारत देश में गणेशोत्सव का सामाजिक रूप से जो आयोजन शुरू हुआ वो श्री लोकमान्य तिलक के बहुत प्रयासों के बाद हुआ। श्री लोकमान्य तिलक ने 1894 के साल में ये गणपति उत्सव का आयोजन शुरू किया। 1894 में श्री लोकमान्य तिलक ने इसे क्यों शुरू किया, कारण उसका क्या था, आधार उसका क्या था। हमारे जमाने में, हमारे देश में 1894 में अंग्रेजों की सरकार चलती थी और अंग्रेजों की सरकार ने भारत देश में एक नियम बनाया था, कानून बनाया था, वो ये कि भारतीय नागरिक एक साथ किसी स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। उसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया था और वो कानून में भारत के नागरिक 5 की संख्या में अधिक नागरिक एक साथ कहीं भी नहीं जा सकते, एक साथ कहीं आ नहीं सकते। अगर कहीं पर ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेजों की सरकार की जो सेना होती थी वो भारतीय नागरिकों को समूह में देखे तो निश्चित रूप से उनको पुलिस अरेस्ट करती थी, जेल में डालती थी और उसके बाद उनके ऊपर भयंकर अत्याचार होता। और वो अत्याचार आप कल्पना नहीं कर सकते, कोड़े मारने से लेकर हाथ के नाखून खींच लेने तक का अत्याचार अंग्रेजों की पुलिस किया करती। अंग्रेजों की सरकार थी, उन्हीं का कानून था, उन्हीं का नियम था। अदालत में जो जजेस होते थे वो भी अंग्रेज होते थे। अगर कोई भारतीय नागरिक अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध कोई शिकायत करे तो अदालत में वो शिकायत सुनी नहीं जाती थी क्योंकि जज अंग्रेज होता था। ऐसा माहौल पूरे देश में बना हुआ था। हमारे भारत देश में सन 1875 में एक महान व्यक्ति हुए थे, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। उन्होंने एक गीत लिखा था 1875 में, वो गीत का नाम वंदे मातरम। तो वंदे मातरम गीत को गाने पर भी अंग्रेज सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। भारतीय नागरिक यदि वंदे मातरम गीत गाएंगे तो अंग्रेजों की पुलिस उनको जेल में पकड़ के बंद कर देगी, ऐसा कानून था। तो एक साथ हम एकत्रित नहीं आ सकते थे, कोई सामूहिक कार्य कर नहीं सकते थे, वंदे मातरम गीत नहीं गा सकते थे। ऐसे कड़े प्रतिबंध हमारे देश पर अंग्रेजों ने लगाए हुए थे और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत का आंदोलन था, स्वातंत्र आंदोलन था, उसके सबसे बड़े नेता थे श्री तिलक। उन्होंने अंग्रेजों की सरकार के ये जो प्रतिबंध थे, ये जो पाबंदी थी, इसको निरस्त करने
करने के लिए एक योजना बनाई और उन्होंने ये तय किया कि अगर अंग्रेज सरकार 5 या 5 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी लगा रही है तो कोई ऐसा आयोजन शुरू करना चाहिए जो अंग्रेजों की सरकार के इस कानून को भंग करे और नागरिकों के मन में शक्ति आए, डर निकल जाए, अंग्रेजों की सरकार का जो भय है वो भारत के नागरिकों के मन से निकलना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने ये गणेशोत्सव शुरू किया। 1894 के पहले हमारे भारत देश में गणपति उत्सव होता था, गणेशोत्सव होता था, लेकिन वो घरों में होता था, परिवार के अंदर होता, परिवार के लोग मिलकर गणपति उत्सव मनाते थे। पहली बार श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में पुणे के शनिवारवाड़ा में पहले गणपति की स्थापना की थी। आप जानते हैं कि पुणे एक बहुत बड़ा शहर है, पूना महाराष्ट्र में, वहां पर एक बड़ा स्थान है शनिवारवाड़ा। इस शनिवारवाड़े में पहले गणपति की स्थापना हुई थी 1894 में और वो स्थापना स्वयं श्री लोकमान्य तिलक ने अपने हाथों से की थी और उस स्थापना में एक गणपति मंडल उन्होंने बनाया था, शनिवारवाड़ा गणेश मंडल, वो भारत का सबसे पुराना गणेश मंडल है। तो उस गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक संकल्प कराया कि हम ये गणेशोत्सव का पर्व 10 दिन तक मनाएंगे, अंग्रेज पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करेगी तो हम जेल में जाएंगे, लेकिन गणपति उत्सव को हम जरूर मनाएंगे। और ऐसे करके ये गणेशोत्सव की शुरुआत हमारे देश में हुई। और सौभाग्य से क्या हुआ, 1894 का पहला जो गणेशोत्सव शनिवारवाड़ा में हुआ तो अंग्रेज पुलिस थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि जो गणेशोत्सव को मनाने वाले कार्यकर्ता थे उनको वो पकड़ नहीं सकते थे। कारण ये था कि वो धार्मिक गतिविधि में शामिल है, राजनीतिक गतिविधि में अगर वो शामिल होते, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में होते तो पुलिस उनको अरेस्ट करती, लेकिन चूंकि वो धार्मिक गतिविधि में शामिल थे इसलिए अंग्रेज पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया और पूरे 10 दिन तक वो गणपति उत्सव चला। 1894 में 1894 में अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। श्री लोकमान्य तिलक ने हर दिन शाम को एक व्याख्यान वहां पर आयोजित किया था, स्वयं श्री लोकमान्य तिलक उस व्याख्यान में हाजिर रहते थे, खुद उसमें शामिल होते थे और बड़े बड़े वक्ताओं को वो उसमें बुलाया करते थे। एक दिन का व्याख्यान हुआ तो उसमें उन्होंने कलकत्ता से एक बहुत बड़े नेता को बुलाया, उनका नाम था श्री विपिन चंद्र पाल। 20 अक्टूबर 1894 के पहले व्याख्यान में विपिन चंद्र पाल वहां आए। 21 अक्टूबर का दूसरा व्याख्यान हुआ तो उसमें श्री लोकमान्य तिलक ने उत्तर भारत के एक बड़े नेता को बुलाया, श्री लाला लाजपत राय, वो 21 अक्टूबर को आए। फिर तीसरे व्याख्यान में उन्होंने, आपने नाम सुना होगा कि हमारे भारत देश में पुणे शहर में 3 महान क्रांतिकारी पैदा हुए एक भाई के रूप में, 3 भाई एक साथ एक ही परिवार में क्रांतिवीर के रूप में जन्म लिया, वो थे श्री चाफेकर बंधु। तो 23 अक्टूबर को व्याख्यान चाफेकर बंधुओं में जो सबसे अग्रज थे, बड़े थे, उनका हुआ। फिर 24 अक्टूबर को चाफेकर बंधुओं में दूसरे नंबर के जो उनके भाई थे उनका हुआ, एक श्री बालकृष्ण चाफेकर, एक दया कृष्ण चाफेकर, ऐसे करके तीनों चाफेकर बंधुओं का व्याख्यान हुआ। फिर उसके बाद श्री लोकमान्य तिलक ने मुंबई से एक बड़े नेता को बुलाया, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता, उनका एक व्याख्यान हुआ। और इस तरह से 10 दिन लगातार व्याख्यान माला चली, गणपति उत्सव हुआ, व्याख्यान माला चली। जितने भी वक्ता वहां पर व्याख्यान देने के लिए आए पहले गणपति उत्सव में, सबका जोर ये था कि भगवान गणेश हमारे देश को आजादी दिलाए, भगवान गणेश हमारे भारत को स्वराज्य दिलवाए, हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सरकार समाप्त हो। सभी व्याख्याताओं ने इस तरह के विषय लिए थे और जितने भी लोग सुनने के लिए आते थे उनमें
उन्होंने देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना पूरे व्याख्यानों के माध्यम से भरने का काम शुरू किया। परिणाम क्या हुआ, पुणे के लोगों में गणपति आयोजन के लिए उत्साह पैदा हुआ और 1894 में पहले गणपति की स्थापना पुणे में शनिवारवाड़ा में हुई। अगले वर्ष 1895 में पूरे पुणे में 11 गणपति मंडल बने एक ही वर्ष के बाद और 11 गणपति स्थापित हुए। उसके बाद 1896 में एक साथ 31 गणपति स्थापित हुए 31। फिर उसके बाद 1897 में पता चला 100 से ऊपर गणपति हो गए। फिर इस तरह से ये संख्या बढ़ती गई और 1898 तक आते आते पुणे से बाहर मुंबई में, पुणे से थोड़ा आगे जाकर अहमदनगर में, फिर पुणे के थोड़ा सा और आगे जाकर नागपुर में, पूरे विदर्भ में ये फैलता ही गया गणपति उत्सव का। और पुणे और पुणे के आजू बाजू के महाराष्ट्र के सारे बड़े शहरों में ये गणपति की स्थापना जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे भारत देश के लोगों में चेतना भी बढ़ती गई। थोड़े दिन के बाद पता चला कि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में गणपति आ गए और गणेश उत्सव बहुत जोर शोर से मनाना शुरू हुआ। 1894 के बाद 1904 में, माने सन 1904 में पहली बार लोकमान्य तिलक ने भारतवासियों को ये अपील किया कि हम गणेश उत्सव का जो आयोजन करते हैं इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो भारत का स्वराज्य प्राप्ति करना है, आजादी प्राप्त करना है। बिना आजादी के गणेश उत्सव का कोई अर्थ नहीं है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहे और हमारे देव देश के अंदर है तो एक तरह से वो भी गुलामी में है। पहली बार लोगों ने श्री लोकमान्य तिलक के इस उद्देश्य को और इस सपने को बहुत गंभीरता से समझा। उसके बाद एक दुर्घटना हो गई हमारे देश, और वो दुर्घटना ये थी 1904 में, सन 1904 में एक अंग्रेज अधिकारी था जो गवर्नर जनरल से वॉयसराय की हैसियत में आया था, उसका प्रमोशन हुआ। उसका नाम था करजन, ये बंगाल का वॉयसराय बना था। बंगाल का वॉयसराय बनने के बाद इस करजन ने एक बहुत खतरनाक काम किया था। उसने क्या किया था, बंगाल राज्य को दो भागों में बांट दिया था, दो हिस्से कर दिए बंगाल को, और उसके लिए एक कायदा बनाया, कानून बनाया, और उसका नाम दिया उसने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट, बंगाल को बांटने का कानून करजन नाम के इस अंग्रेज अधिकारी ने किया। बंगाल उस समय भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था। आज हमारे भारत देश में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे 35 राज्य हैं, 35 राज्य हैं। आज से लगभग 150 वर्ष पहले, 160 वर्ष पहले भारत देश में सिर्फ 4 राज्य थे, 4 स्टेट्स थे। एक बंगाल था, दूसरा मद्रास राज्य था, उसको अंग्रेजी में प्रेसिडेंसी कहा जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक तीसरा था मुंबई प्रेसिडेंसी, और चौथा भारत का बचा हुआ हिस्सा जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता, पूरा उत्तर भारत। बंगाल प्रेसिडेंसी का उस समय में क्या मतलब था, सरल माहिती देता हूं। बंगाल का उस समय 1904 में, सन 1904 में एक ही अर्थ था, पूरा बिहार राज्य, पूरा आसाम, पूरा का पूरा बंगाल, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, उस समय तक बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, तो पूरा बंगाल बांग्लादेश को मिलाकर, पूरा आसाम, उड़ीसा का 3/4 भाग, और उसके बाद आसाम के ऊपर के भारत के जो छोटे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये जो छोटे 7 राज्य, ये पूरा मिलाकर बंगाल राज्य था। अंग्रेजों ने उस समय इसको दो हिस्सों में बांटा, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। उस समय बंगाल का जो टोटल पॉपुलेशन था, कुल लोकसंख्या, कुल जनसंख्या, वो करीब 7 करोड़ था। 1.5 करोड़ नागरिक बंगाल में रहते थे, 7 करोड़। अब ये बंगाल का जो बंटवारा हुआ, इसमें क्या हुआ, जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदुओं के लिए, और जो सॉरी हाँ वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए और ईस्ट बंगाल मुसलमानों के लिए। ईस्ट बंगाल में कुल
पॉपुलेशन 3 करोड़ 80 लाख के आसपास था, 3 करोड़ 80 लाख नागरिक ईस्ट बंगाल, और बाकी जो 4 करोड़ 20 लाख नागरिक थे वो वेस्ट बंगाल। तो हिंदू और मुसलमान संप्रदाय के आधार पर पहली बार अंग्रेजों ने भारत में बंटवारा किया, और ये बंटवारा जब हुआ तो सारे भारत देश में इसका विरोध हुआ। और विरोध क्यों हुआ? संप्रदाय के आधार पर आप देश का अगर बंटवारा करते हैं, किसी राज्य का बंटवारा करते हैं, तो भयंकर मारामारी होने वाली है। तो श्री लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले इसका विरोध किया, और 1905 में श्री लोकमान्य तिलक ने एक आदेश जारी किया भारत के नागरिकों के लिए कि अगर अंग्रेजों की सरकार भारत के एक बंगाल राज्य का संप्रदाय के आधार पर बंटवारा करती है तो इस अंग्रेज सरकार को हम भारत में अब रहने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, और उन्होंने ये घोषणा कर दी। श्री लोकमान्य तिलक के एक दोस्त थे, मित्र थे विपिन चंद्र पाल, जो उस समय बंगाल के सबसे बड़े नेता थे। ऐसे ही श्री लोकमान्य तिलक के एक मित्र थे श्री अरविंदो घोष, जिनको आपने जाना होगा, जो बाद में सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में उन्होंने आश्रम बना लिया और वहीं पर आखिरी जीवन उनका बीता। तो श्री अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों बंगाल के नेता श्री तिलक के पास मिलने के लिए पुणे में आए, और तिलक के सामने उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। श्री लोकमान्य तिलक ने कहा कि पूरे बंगाल में आपको श्री गणपति के नाम पर उत्सव शुरू करना चाहिए। तो जो नेता आए थे उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बंगाल में गणपति उत्सव तो कोई मनाता नहीं है और गणेश जी को बंगाल में कोई ज्यादा प्रभाव भी नहीं है। तो लोकमान्य तिलक ने पूछा, फिर आप बताइए आपके यहाँ किसका प्रभाव है? तो उन्होंने कहा जो नवदुर्गा होती है, दुर्गा पूजा होती है, उसका बंगाल में बहुत असर है। तो श्री तिलक ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ महाराष्ट्र में गणेशोत्सव करता हूँ, आप बंगाल में दुर्गा उत्सव शुरू करिए और इसके साथ संगठन बनाइए और अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ फिर हमें लड़ना। तो इस तरह से श्री लोकमान्य तिलक के प्रयासों से पूरे बंगाल में 1905 से 1905 से दुर्गा उत्सव शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है और भारत के अनेक राज्यों में फैल गया है। तो बंगाल में दुर्गा उत्सव, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, ऐसा जब काम शुरू हुआ तो लाखों लाखों कार्यकर्ता श्री तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इकट्ठे हुए। फिर इन कार्यकर्ताओं को लोकमान्य तिलक ने एक संदेश दिया कि गांव गांव जाना, गली गली जाना, और अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का जो बंटवारा किया है हिंदू मुसलमान के आधार पर, इसका विरोध करना है। तो श्री तिलक के जो कार्यकर्ता होते थे वो पूछते थे कि आप बताइए विरोध का तरीका क्या है। तो श्री तिलक ने उन सबको बोल रखा था कि देखो, अंग्रेजों की सरकार भारत में तभी तक चलेगी जब तक अंग्रेजों का माल भारत में बिकेगा। आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से चलती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं भारत में बिका करती थी। तो श्री तिलक ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तु जब तक भारत में बिकेगी अंग्रेजों को मुनाफा मिलेगा, और जब तक उनको लाभ होगा तब तक वो भारत में सरकार चलाएंगे। तो हमें एक ही कार्य करना है कि गांव गांव जाकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चीज वस्तुएं बिकती है इनका बहिष्कार कराना। और ऐसे करके 1905 में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, और वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में शुरू हुआ। श्री तिलक ने पूरे बंगाल का प्रवास किया, छोटे छोटे गांवों में जाकर उन्होंने व्याख्यान दिए। तिलक के साथ अरविंदो घोष गांव गांव गए, अरविंदो घोष के साथ ताराशंकर बंदोपाध्याय, बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो गांव गांव गए। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, वो श्री लोकमान्य तिलक के साथ गांव गांव गए, और इस तरह से बहुत बड़े नेताओं की टीम तैयार हुई। उन्होंने पूरे बंगाल में स्वदेशी की लहर पैदा कर दी। परिणाम क्या हुआ कि ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में 1905 में जो शुरू हुआ, 2 वर्ष के बाद इसका इतना असर था कि बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान बिकना बंद हो गया, उनका कापड़ बिकना बंद हो गया,
ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय भारत में शक्कर बिकती थी, शुगर, क्योंकि शुगर भारत में बनती नहीं थी, वो इंग्लैंड से आती थी, तो शुगर बिकना बंद हो गया। और इस स्वदेशी आंदोलन का इतना असर हुआ पूरे बंगाल में कि जो मिठाई बनाने वाले लोग हैं, स्वीट्स बनाने वाले लोग, उन्होंने शक्कर इस्तेमाल करना बंद कर दिया, गुड़ से मिठाई बनाना शुरू की। इतना प्रभाव था। उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय ब्लेड नहीं बनता था, ये बात है 1905 की, 1905, ब्लेड नहीं बनता था, इंग्लैंड से ब्लेड आता था भारत में, तो जो सैलून चलाने वाले लोग होते थे वो अंग्रेजी ब्लेड का उपयोग करते थे। श्री लोकमान्य तिलक ने जब उनको अपील किया कि आप ये अंग्रेजी ब्लेड वापरना बंद कर दो, तो सभी सैलून चलाने वालों ने अंग्रेजी ब्लेड का बहिष्कार कर दिया। अब समस्या आई कि शेव कैसे करना, ब्लेड तो नहीं है, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो आज तक इस देश में चलता है, हम लोग हिंदी में उसको उस्तरा कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, उसको बहुत अच्छे से शार्प करके उससे शेप बनाई जाती है, ब्लेड का उसमें इस्तेमाल नहीं होता। ये लोकमान्य तिलक ने शुरू कराया इस देश। उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनता, हमारे भारत देश में डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनता था, वो इंग्लैंड से इंपोर्ट होता था, तो श्री लोकमान्य तिलक ने लॉन्ड्री चलाने वालों को अपील किया कि अंग्रेजी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है, तो भारत के लॉन्ड्री चलाने वाले सभी लोगों ने मिट्टी से कापड़ धोना शुरू कर दिया, जमीन की मिट्टी से, ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इसको इस्तेमाल करके कापड़ धोने का एक अभियान पूरे देश में शुरू हुआ। इसी तरह श्री लोकमान्य तिलक ने भारत के लोगों को अपील किया कि किसी भी घर में, परिवार में विवाह होगा तो वर और वधू शरीर पर अंग्रेजी वस्त्र धारण नहीं करेंगे, तो कौन से वस्त्र धारण करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भारत में कापूस बहुत होता है, कॉटन बहुत होता है, कॉटन के बनाए हुए जो वस्त्र हैं उनका उपयोग करेंगे, और वर वधु दोनों जिनका विवाह कराने वाला पंडित है, पंडितों का एक बहुत बड़ा संघ बनाया श्री तिलक ने, और उन्होंने कहा कि आप उस वर वधु का विवाह कराइए जिसके शरीर पर खादी के वस्त्र होंगे या कॉटन के वस्त्र होंगे, अंग्रेजी वस्त्र अगर पहने हुए वर वधु है तो उनका बहिष्कार कर दीजिए। परिणाम यह हुआ कि वर और वधु ने भी कॉटन पहनना शुरू कर दिया। इस तरह से श्री तिलक ने भारत के अनेक अनेक समाज के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, और तिलक के साथ लाला लाजपत राय ने उत्तर भारत में बहुत बड़ा ऐसा ही अभियान चलाया। आप पूछेंगे कि इस अभियान का अंतिम फलश्रुति क्या हुआ, इस अभियान की सबसे बड़ी फलश्रुति ये हुई कि 1905 से 1905 से लेकर 1911 के बीच में 6 वर्ष के अंदर संपूर्ण भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं बिकना बंद हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का कपड़ा बिकना बंद हो गया, उनका ब्लेड बिकना बंद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुगर बिकना बंद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर बिकना बंद हो गया, जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती थी वो सब वस्तुएं बिकना बंद हो गई। लोगों ने संकल्प लेना शुरू किया। आपको तो सुनकर आश्चर्य होगा कि जैसे आपने यहाँ गणपति मंडल स्थापित किया है नवनगर में, श्री लोकमान्य तिलक ने संपूर्ण भारत देश में ऐसे सैकड़ों गणपति मंडल स्थापित किए, हरेक गणपति मंडल के कार्यकर्ताओं को वो शपथ दिलाते थे, प्रतिज्ञा कराते थे, गणपति मंडल स्थापित हुआ फिर उसके बाद एक शपथ ग्रहण समारोह होता था, प्रतिज्ञा समारोह होता था, उसमें पहली प्रतिज्ञा ये होती थी कि हम भारत देश के स्वराज्य प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे और गणपति हमारे आराध्य देव बनेंगे, हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए काम करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा होती थी कि भारत में स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए स्वदेशी का वरण बहुत आवश्यक है, इसलिए हम जीवन पर्यंत स्वदेशी व्रत धारण करेंगे और कभी कोई अंग्रेजी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर तीसरा संकल्प होता था कि अंग्रेज सरकार धर्म और संप्रदाय के आधार पर भारत को बांट रही है, हम धर्म और संप्रदाय के आधार पर कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, मुसलमान हिंदुओं से नहीं लड़ेंगे, ऐसी 11 शपथ दिलाई जाती थी, और वो 11 शपथ लेने वाले कार्यकर्ता गणपति आंदोलन के सदस्य होते थे, उसमें से एक
शपथ होती थी कि व्यसन जीवन में कभी नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, गुटखा तंबाकू कुछ नहीं खाएंगे और अपने को पवित्र बनाएंगे ताकि स्वराज्य प्राप्ति के लिए लड़ सके। ऐसी शपथ दिलाकर श्री तिलक कार्यकर्ताओं को पक्का बनाते थे। और धीरे धीरे आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 1905 से यह अभियान शुरू हुआ। 1911 में 1911 में स्वदेशी आंदोलन और गणेशोत्सव के कुल कार्यकर्ता 1,20,00,000 हो गए, 1,20,00,000। उस समय भारत का जो टोटल पॉपुलेशन था वो 20,00,000,000 था, 20,00,000,000 भारतवासी थे 1905 में, और उसमें से 1,20,00,000 उनके कार्यकर्ता थे। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के साथ काम करने लगे। गणेशोत्सव के माध्यम से इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज उन्होंने इकट्ठी की। अंतिम परिणाम क्या हुआ, 1911 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब कुछ बिकना यहाँ बंद हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में बहुत तकलीफ आ गई, क्योंकि यहाँ से धन लूट कर ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती थी, उनका माल बिकता था वो पैसा लंदन जाता था। जब यहाँ माल बिकना बंद हो गया तो यहाँ से पैसा लंदन जाना बंद हो गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत तकलीफ की स्थिति आई। उस समय ब्रिटेन का राजा था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक स्पेशल मीटिंग बुलाया और उसने ये कहा कि भारत देश में ऐसा क्या हो रहा है कि अब ब्रिटेन में पैसा आना बंद हो गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी ने जॉर्ज पंचम को कहा कि भारत में एक बड़े नेता है श्री लोकमान्य तिलक, उन्होंने गणेशोत्सव का एक अभियान और स्वदेशी का आंदोलन शुरू कर दिया है और उसके कारण अब अंग्रेजी वस्तुएं भारत में बिकना बंद हो गई हैं, इसलिए इंग्लैंड में पैसा आना बंद हो गया। तो जॉर्ज पंचम इतना परेशान हुआ, उसने कहा कि ये लोकमान्य तिलक कौन है। तो उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने समझाया, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, पुणे के पास उनका जन्म स्थान है, कार्य क्षेत्र उनका पूरा भारत देश है और उनके पास 1,20,00,000 कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी आर्मी। तो जॉर्ज पंचम ने पूछा कि ब्रिटेन की आर्मी भारत में कितनी है। तो जॉर्ज पंचम को उत्तर मिला कि जो ब्रिटिश आर्मी भारत में है वो मैक्सिमम 3.5 लाख की आर्मी है। और उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक की आर्मी कितनी बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि 1,20,00,000 की आर्मी है। तो फिर जॉर्ज पंचम ने कहा कि उसका कमांडर इन चीफ लोकमान्य तिलक 1,20,00,000 की आर्मी है, कितनी बड़ी आर्मी है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि वो आर्मी अगर देखनी है तो आपको भारत जाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मेरी भारत यात्रा का कार्यक्रम बनाओ। तो दिसंबर में 10 तारीख को जॉर्ज पंचम भारत आए, दिसंबर 10 को जॉर्ज पंचम भारत आ गया, ये देखने के लिए कि स्वदेशी आंदोलन की, गणपति आंदोलन की आर्मी कितनी बड़ी है। उस जमाने में आप जानते हैं कि हवाई जहाज नहीं चलते थे, पानी के जहाज से यात्रा होती थी, शिप का आना जाना होता था। तो लंदन जाने के लिए भारत देश में दो ही स्थान थे और लंदन से आने के लिए भी दो ही स्थान थे, एक था वो कलकत्ता और दूसरा था सूरत। सूरत में बहुत बड़ा पानी के जहाज का पत्तन था और कलकत्ता में बहुत बड़ा था, तो कलकत्ता एक, सूरत दूसरा। तो जॉर्ज पंचम को पूछा गया आप कहां उतरेंगे, तो उन्होंने कहा कलकत्ता उतरूंगा। क्यों? क्योंकि लोकमान्य तिलक के सहयोगी और उनके कार्यकर्ता सबसे ज्यादा बंगाल में काम कर रहे हैं, तो मुझे देखना है वो। तो कलकत्ता उतरा लोकमान्य तिलक, जॉर्ज पंचम कलकत्ता आया। 11 दिसंबर को कलकत्ता में बहुत सारे लोगों ने उसको रिसीव किया। जिन लोगों ने जॉर्ज पंचम को भारत में पहली यात्रा पर रिसीव किया, माने उसको आदर पूर्वक इस देश में स्वागत किया, उनमें से सबसे आगे थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन रॉय और एक थे उमेश चंद्र बनर्जी और एक पुराने कांग्रेस के
नेता जो माने जाते हैं, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 में, तो एक थे एक्टोवियो यू, एओ यू, जो कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं। इन सब लोगों ने राजा को आहुकार किया, उसका स्वागत किया, राजा माने जॉर्ज पंचम। और श्री लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो सारे नेता थे जिनको हमारे इतिहास में गरम दल का नेता माना जाता है, इन्होंने जॉर्ज पंचम का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा हम जॉर्ज पंचम का बहिष्कार करते हैं, हम उसके स्वागत समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर नरम दल के कुछ नेता हुआ करते थे, उनमें से मैंने कुछ नाम आपको बताए, उन्होंने कहा कि हम जॉर्ज पंचम का जरूर स्वागत करेंगे। तो स्वागत समारोह हुआ कलकत्ता में, और स्वागत समारोह में पहली बार जॉर्ज पंचम को स्वागत करते हुए एक गीत गाया गया जिसका नाम है जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, भारत भाग्य विधाता माने भारत के भाग्य को निर्धारित करने वाला कौन? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम को मंच पर बिठाया गया और ये गीत गाना शुरू किया, और जिसने ये गीत गाया, दुर्भाग्य से उनका नाम वही श्री रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ही ये गीत लिखा और उन्होंने ही ये गीत गाया। अब ये जो गीत है इसमें ज्यादा शब्द बांग्ला के हैं और कुछ संस्कृत के शब्द हैं। इस पर जरा ध्यान दें, जन गण मन, जन गण मन, गण संस्कृत का शब्द है, जन संस्कृत का शब्द है, मन संस्कृत और बांग्ला दोनों में है। तो इसका अर्थ है भारत की जनता की तरफ से, गण माने छोटे छोटे राजा और उनके प्रतिनिधि, हम सब भारत की जनता की तरफ से, छोटे छोटे राजाओं की तरफ से जनगणमन अधिनायक जय, अधिनायक माने सुपर हीरो माने जॉर्ज पंचम, आपकी जय करने के लिए यहाँ आए हैं। जनगणमन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, भारत के आप भाग्य विधाता है, आपको भारत का भाग्य तय करना है क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, ये भारत के अलग अलग हिस्से हैं जिनका नाम उन्होंने लिया, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, भारत के ये सभी हिस्सों की, रीजन की तरफ से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तब शुभ नामे जागे, आपका नाम पूरे विश्व में हो, तब शुभ आशीष मांगे, हम भगवान से आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आशीष मांग रहे हैं, गाए तब जय गाथा, हम आपकी जय जयकार करते ही रहेंगे, जनगण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता। ये गीत गाया गया और ये गीत गाया गया 24 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जॉर्ज पंचम का स्वागत समारोह करते हुए। अब समस्या क्या खड़ी हो गई कि जॉर्ज पंचम को ना संस्कृत समझती थी ना बांग्ला, ना उसको हिंदी आती थी, वो सुन तो लिया, उसने अपने पड़ोस में बैठे अंग्रेजों से पूछा ये क्या गाना गाया, तो अंग्रेजों ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसको समझाया। जैसे ही उसको पता चला कि ये गाना जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया है और उसको भारत का भाग्य विधाता बताया गया है, वो इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया और उनके पीठ पर ऐसे थपथपाया, बहुत अच्छा आपने गीत लिखा, और अंग्रेजी में उसने कहा कि मेरी इतनी प्रशंसा तो मेरे देश में कोई नहीं करता। इससे भी ज्यादा उसने एक मजाक की बात कही जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, उसने कहा कि मेरी बीवी ने मेरी आज तक इतनी प्रशंसा नहीं की है, आपने तो उससे भी ज्यादा की। रविंद्रनाथ टैगोर गदगद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर गदगद हो गए। तो ये जो पंचम था, जॉर्ज पंचम, इसने अपनी डायरी में उनका नाम पता सब कुछ नोट किया, फोन उस समय होता नहीं था, नाम पता नोट किया, और ये कलकत्ता से चलकर फिर दिल्ली गया, जॉर्ज पंचम, यही जॉर्ज पंचम। दिल्ली में इसने एक बहुत बड़ा दरबार बुलाया और उसमें छोटे छोटे राजा महाराजा सब लोग आए, लेकिन दिल्ली में जो क्रांतिकारी थे, गरम दल वाले, लाला लाजपत राय वाले, वो नहीं गए, उन्होंने वहां भी बहिष्कार किया।
तो दिल्ली में उस समय जो गवर्नर की हैसियत से एक अधिकारी होता था उसको जॉर्ज पंचम ने पूछा कि भारत में मुझे वो आर्मी देखनी है लोकमान्य तिलक की। मैंने सुना है 1,20,00,000 1,20,00,000 उसमें सोल्जर है, मुझे देखना है वो आर्मी कैसे काम करती है। तो दिल्ली का जो गवर्नर था उसने जॉर्ज पंचम को समझाया कि ये आर्मी है बिना बंदूक वाली है, इनके पास कोई आर्म्स नहीं है, आर्मी विदाउट आर्म्स। उसने जो टाइटल बताया आर्मी विदाउट आर्म्स है ये, इनके पास कोई बंदूक नहीं है, इनके पास कोई तलवार नहीं है, इनके पास कोई तोप नहीं है, कोई मोर्टार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास जो दिल है, जो इनका हृदय है, वो इतना मजबूत है कि ये हमेशा भारत की आजादी और स्वराज्य की बात करते। तो उसने पूछा कि इस आर्मी, दिल्ली ने कहा कि इनका नेता तो लोकमान्य तिलक है और उन्होंने आपका बहिष्कार किया हुआ है, इसलिए वो तो आपको मिलने आने वाले नहीं है, आपको उनसे मिलने जाना हो तो मैं कोई व्यवस्था करूं। तो जॉर्ज पंचम कहने लगा कि भारत में ऐसा भी कोई आदमी है जिसको राजा बुलाए और वो राजा के पास ना जाए। उन्होंने कहा यहां तो एक नहीं ऐसे करोड़ों है। आपको मैं मानते ही नहीं कि आप राजा, वो कहते हैं आप इंग्लैंड के राजा होंगे, भारत का राजा तो एक ही है, वो हमारा गणपति बप्पा। लोकमान्य तिलक ने सब कार्यकर्ताओं को समझा रखा था कि राजा अपना एक ही है, वो है गणपति बप्पा। इसी के सामने झुकना, किसी को वंदन करना, किसी से आशीष मांगना और इसी से दुआ मांगना, बाकी हमारा कोई राजा नहीं, हमारा राजा गणपति है। तो जब गवर्नर ने यह सुना दिया कि वो तो आएंगे नहीं, उन्होंने बहिष्कार किया, वैसे करोड़ों है, अब आप जाना चाहो तो मैं व्यवस्था करता हूँ, पुणे जाना पड़ेगा आपको मिलने के लिए। तो पुणे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर को टेलीग्राम किया गया। पुणे का जिला कलेक्टर परेशान हो गया, वो टेलीग्राम लेके श्री लोकमान्य तिलक के घर गया। श्री लोकमान्य तिलक पुणे में ही रहते थे, शनिवारवाड़ा में ही उनका घर है, आज भी वो घर सुरक्षित है, आप जाके देख सकते। पुणे का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भागा भागा वो टेलीग्राम लेके श्री तिलक के पास गया और टेलीग्राम उनको दिखाया कि आपसे मिलने के लिए हमारा राजा जॉर्ज पंचम पुणे आना चाहता है, आप उनसे मिलेंगे। तो श्री लोकमान्य तिलक ने कहा मुझे राजा से मिलने की कोई गरज नहीं है, वो आपका राजा है, मेरा नहीं है, आप उसके नौकर हैं, आपको वो पगार देता, मुझे पगार नहीं देता, मुझे उससे मिलने की गरज नहीं है। तो कलेक्टर ने समझाया नहीं नहीं वो आपको मिलने यहाँ आना चाहते हैं पुणे में। तो तिलक ने कहा कि फिर ठीक है आप उनको यहाँ आने दो, मैं मेरे गांव चला जाता हूँ रत्नागिरी। श्री लोकमान्य तिलक का जन्म स्थान रत्नागिरी में है, आप जानते हैं रत्नागिरी के पास एक छोटे से, तो मैंने कहा मैं मेरे गांव चला जाता हूँ। तो फिर कलेक्टर ने पूछा मेरी तो नौकरी चली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है तुम्हारी नौकरी जाए, तुम्हारे राजा की नौकरी जाए, तुम यहाँ सब हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ, हमारा स्वराज्य हमें मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। तो कलेक्टर ने वापस टेलीग्राम कर दिया कि श्री लोकमान्य तिलक आपको मिलने तो बिल्कुल इच्छुक नहीं है, तैयार नहीं है, अब क्या करना। तो अंग्रेज पुलिस को कहा गया कि आप लोकमान्य तिलक को अरेस्ट करो और अरेस्ट करके उनको जॉर्ज पंचम की सेवा में लेके आओ। तो श्री लोकमान्य तिलक के पास जब पुलिस ऑफिसर पहुंचा अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट करने के लिए आप कानून बताओ, किस कानून से आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो पुलिस ने कहा आप हमारे राजा को नहीं मिलना चाहते, तो उन्होंने कहा ये कोई अपराध नहीं है, ये कहीं भी किसी कानून की किताब में नहीं है। उस समय तक हमारे देश में जो कानून की किताब चलती थी उसका नाम था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, 1860 से ये चल गई थी। तो मैंने कहा आईपीसी का कौन सा प्रोविजन है जिसका मैंने वायलेशन किया है और आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर निरुत्तर हो गया, वो चुपचाप वापस गया और जॉर्ज पंचम को कह दिया गया कि ये व्यक्ति इतना पक्का है कि ये जो तय कर लेगा वही करेगा, ये आपसे मिलेगा नहीं। जॉर्ज पंचम बिना मिले वापस गया दिल्ली से, बिना मिले वापस गया। और भारत में उस समय कांग्रेस के अंदर यही एक तेजस्वी नेता थे श्री तिलक, जिन्होंने जॉर्ज पंचम से मिलने को मना कर दिया।
बाकी जो कांग्रेस के नेता थे, मैंने नाम लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, एक गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सब जॉर्ज पंचम को सलामी देके आए। तिलक नहीं गए, लाला लाजपत राय नहीं गए, विपिन चंद्र पाल नहीं गए। जॉर्ज पंचम को तिलक का नहीं मिलना इतना अंदर तक चोट पहुंचाया कि जब जॉर्ज पंचम वापस जा रहा था दिल्ली से, उसने कहा अब तो मुझे वापस जाना है, तो दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर पानी के जहाज से लंदन, तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति भारत में है जो मुझे मिलने से मना कर सकता है और किसी कानून के आधार पर हम उसे अरेस्ट भी अभी नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति की मांग क्या है? तो अंग्रेज गवर्नर दिल्ली ने उनको कहा कि उसकी सबसे पहली मांग है कि 1905 में जो करजन ने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट बनाया है, बंगाल को हिंदू मुसलमान के आधार पर तोड़ दिया है, ये कानून वापस लेना और बंगाल को फिर से एक करना। तो जॉर्ज पंचम ने गवर्नर को कहा कि ऐसे वीर बहादुर पराक्रमी व्यक्ति का थोड़ा तो सम्मान करो और ये बंगाल का बंटवारा रद्द करो। और भारत के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना है जब बंगाल को बंटवारा करके अंग्रेजों ने 6 साल के बाद वापस फिर से एक किया और ईस्ट और वेस्ट बंगाल फिर से एक हुआ। और लोकमान्य तिलक की इतनी जय जयकार पूरे देश में हुई। 1911 में जब बंगाल फिर से एक हो गया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट वापस हो गया, तो सारे देश में लोकमान्य तिलक के स्वागत समारोह आयोजित हुए और एक एक समारोह में 50,000 लोग आते थे। उस जमाने में ये माइक नहीं होता, बिना माइक के उनको व्याख्यान करना होता। आप जरा सोचिए 50,000 की भीड़, अयवत्त साविर नागरिक लोकमान्य तिलक को सुनने के लिए कहीं खड़े हैं, कैसे वो बोले जो आखिरी आदमी तक बात पहुंचे, तो वो संभव नहीं होता था। तो श्री तिलक चिल्ला चिल्ला कर बोलते और दुष्परिणाम क्या हुआ, 1911 से जब उनका ये स्वागत समारोह शुरू हुआ 1915 तक ये चलता रहा, 4-5 साल चिल्ला चिल्ला कर बोलने के कारण उनके सारे फेफड़े गल गए, उनके लंग्स में इंफेक्शन आ गया, क्योंकि माइक तो होता नहीं था, गले में इंफेक्शन आया, लंग्स में इंफेक्शन, और वो इंफेक्शन इतना गंभीर था कि उसी में श्री लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई। 1915 से लेकर 1920 तक वो कहीं जा नहीं सके, बोल नहीं सके, जा थोड़े भी बोलते थे तो गले में दर्द होता, थोड़े भी बोलते थे तो लंग्स में पानी भर जाता, और उस समय ट्रीटमेंट भी नहीं था, प्लूरिसी नाम की एक बीमारी उनको हो गई, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, उसका एक ही ट्रीटमेंट था कि वो कोई ठंडे प्रदेश में जाकर थोड़े दिन आराम करें। लेकिन तिलक कहा करते थे कि अगर ये जीवन में आराम किया तो स्वराज्य कैसे आएगा, इसलिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को दुर्लक्ष किया, अपनी हेल्थ को कभी ध्यान नहीं दिया, और उसी चक्कर में उनकी पत्नी रात दिन परेशान रहती थी और उनकी मृत्यु हुई उनकी पत्नी की, इसी चिंता में कि तिलक कभी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, लगातार प्रवास करते थे। अब उस जमाने में प्रवास करने के लिए गाड़ी नहीं थी तो साइकिल से प्रवास करते, कभी साइकिल नहीं होती थी तो बैलगाड़ी में बैठ के प्रवास करते, कभी कभी बैलगाड़ी नहीं तो घोड़े पर बैठकर प्रवास करते, घोड़ा भी नहीं मिला तो वो जो ऊंट होता है कैमल उस पर बैठकर प्रवास करते थे, और कुछ नहीं मिला तो पैदल पैदल प्रवास करते। तो प्रवास बहुत किया, व्याख्यान बहुत दिए, स्वागत समारोह जगह जगह होते थे, उसमें फंड इकट्ठा होता था और वो फंड इतना हो गया कि वो कोटि कोटि रुपए, बाद में उसी फंड को नाम दिया गया तिलक स्वराज फंड। इतिहास की पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह चैप्टर है तिलक स्वराज फंड, ये लोकमान्य तिलक को स्वागत समारोह में जो दान मिलता था वो सारा उन्होंने इकट्ठा किया था। आप पूछेंगे तिलक स्वराज फंड कितना था, आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले 80-90 years before तिलक स्वराज फंड 21 करोड़ रुपीज का था, 51 करोड़ इतना धन था। आज के हिसाब से अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो इसमें 300 का मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि 1920 का 1 रुपए 1 रुपया 2007 के 300 रुपीज के बराबर, तो 300 में 21 का गुणा कर लीजिए
6,300 करोड़ रुपीस श्री लोकमान्य तिलक ने इकट्ठा किया इस देश में घूम घूम कर। और वो फंड जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उस फंड से फिर परिणाम क्या किया, उन्होंने क्या काम में लगाया वो फंड, उन्होंने कहा कि भारत में जो जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता वो सभी ये पैसे से बनाई गई। मैंने आपसे कहा ब्लेड नहीं बनता था भारत, श्री तिलक ने ब्लेड बनाने की इंडस्ट्री शुरू कराई पुणे के पास। वो समय में शुगर नहीं बनती थी इस देश में, शुगर बनाने का कारखाना उसी फंड में से लगा। हमारे देश में उस जमाने में आयरन और स्टील के लिए कोई बड़ा प्रोडक्शन यूनिट नहीं था। तिलक ने भारत देश के एक बड़े उद्योगपति जिनका नाम था जमशेद जी टाटा, उनको एक दिन अपने घर बुलाया और कहा कि भारत को स्टील की जरूरत है, आप स्टील बनाना शुरू करिए, हम इंग्लैंड से स्टील नहीं खरीदेंगे। तो टाटा जमशेद जी टाटा ने श्री लोकमान्य तिलक के एक वाक्य पर पूरा टिस्को खड़ा कर दिया, टाटा स्टील कंपनी वो तिलक ने खड़ी करवाई है इस देश। बजाज ग्रुप को एक दिन तिलक ने बुलाया, जमनालाल बजाज को, और कहा कि हम इंग्लैंड से कपड़ा आयात करते हैं, भारत में कपड़ा बनना चाहिए, खादी का तो बनता है वो हाथ का है लेकिन वो मोटा होता है, लोगों को बारीक कपड़ा पहनना है महीन, तो आप उसके लिए मिल लगाइए। तो जमनालाल बजाज ने तिलक के कहने पर पहली मिल लगाई कलकत्ता। डालमिया जी को बुलाया एक दिन और कहा आप कुछ प्रोडक्शन में जाइए, डालमिया जी ने कहा ठीक है हम भी भारत के। ऐसे भारत में 72 जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं जो आज इस देश में एस्टेब्लिश हैं, टाटा है, डालमिया है, जमनालाल बजाज का बजाज ग्रुप है, ये सब की स्थापना करने में लोकमान्य तिलक की बहुत बड़ी भूमिका। 1915 में श्री तिलक ने यह सब शुरू किया, 1920 तक वो ये करते रहे और 1 अगस्त 1920 को उनका स्वर्गवास हुआ। मैंने बताया गंभीर बीमारी थी प्लूरिसी की, लंग्स पूरे उनके खराब हो चुके थे, ज्यादा बोलने के कारण गला खराब हो गया था, उस समय उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से थोड़ा दिन पहले उन्होंने अपने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनको मालूम हो गया था कि अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी मृत्यु होगी तो आप में से कोई रोना नहीं और कभी भी मेरे नाम पर आंसू बहाना नहीं, मैंने जिंदगी में कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की है, तो आप भी मेरे पद चिन्हों पर चलना, आप भी अंग्रेजी गुलामी स्वीकार नहीं करते, आप स्वतंत्र हैं, भगवान आपको आगे भी स्वतंत्र बनाकर रखेगा, मेरे आदर्शों का खून नहीं करना, कोई रोएगा नहीं, मैं मरूंगा खुशी के साथ मुझे विदा करना। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा जो पूरे जीवन का सबसे बड़ा सच है, श्री तिलक ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि देखो मृत्यु जो है जन्म से भी ज्यादा आसान है। ये बहुत गहरी बात है, उन्होंने कहा कि जन्म लेने में तो बहुत कष्ट होता है, टाई को भी होता है, मक्खन को भी होता है, लेकिन मृत्यु बहुत सहज है, बहुत आसान है, इसलिए उत्सव की तरह से इसको मनाएं। और ये हुआ 1 अगस्त को सुबह जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, प्राण उनके पूरे हुए, तो पूरा पुणे शहर, पूरा मुंबई, पूरा भारत खड़ा हो गया। ऐसी अंतिम यात्रा इस देश में किसी की नहीं निकली, करोड़ों करोड़ों लोग उसमें शामिल, करोड़ों, और उन लोगों ने श्री तिलक की अंतिम यात्रा को भारत की स्वराज यात्रा कहा कि यह हमारे देश की स्वराज यात्रा। और उस स्वराज यात्रा में उन्होंने वही संकल्प दोहराए जो श्री तिलक उनको गणपति आंदोलन के समय कहा करते थे। ऐसे एक महान व्यक्ति ने इस देश में गणपति की स्थापना कराई, ऐसे एक महान व्यक्ति ने इस देश में स्वराज्य की नींव स्थापित कराई। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मैंने आपके मंडल में आकर श्री तिलक का फोटो देखा, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गणपति मंडलों में जाता हूं, गणपति की मूर्ति तो होती है, तिलक की मूर्ति गायब है, और उससे भी ज्यादा दुख मुझे बात का होता है कि गणपति मंडल वाले गणपति की स्थापना करते हैं और उसमें ऐसे गंदे गंदे घटिया घटिया गाने बजाते हैं जिनको श्री तिलक ने कभी सुना नहीं, सोचा भी नहीं। हमें शर्म है कि हम लोकमान्य तिलक के उन सभी आदर्शों को पूरा नहीं कर पाए जो गणपति आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भारत को समझाए थे।
उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य था जो उन्होंने अपनी मृत्यु से थोड़े दिन पहले दिया था। जब बंगाल का बंटवारा समाप्त हो गया तो तिलक ने भारत के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया था और उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो एक कार्यकर्ता ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने बंगाल के बंटवारे का विरोध क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंगाल को बांटा है, धर्म के आधार पर अगर ये बंटवारा भारत में होगा और आगे चलेगा तो ये भारत तो एक नहीं रहने वाला। और दूसरा एक खतरनाक काम हुआ था उसी समय, बंगाल का जो बंटवारा किया अंग्रेजों ने, उसके बाद जब बंगाल बंटवारा समाप्त हो गया, फिर से बंगाल एक करना पड़ा, तभी अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसा विष बीज बो दिया जिसका दुष्परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। वो विष बीज क्या था? अंग्रेजों ने एक संस्था बना दी इस देश में जिसका नाम है इंडियन मुस्लिम लीग। बंगाल का बंटवारा समाप्त करने के समय एक संस्था बना दिया इंडियन मुस्लिम लीग, और यही संस्था का अध्यक्ष बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बना। और अंग्रेजों ने उस संस्था को इतना विष भर दिया कि जो बंगाल का बंटवारा उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर किया था, उस इंडियन मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर। श्री तिलक अक्सर ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेज बंगाल का बंटवारा करने में सफल हो गए हिंदू मुसलमान के आधार पर, तो एक दिन भारत का भी ये बंटवारा कर देंगे हिंदू मुसलमान के आधार पर। ये उनको पता चलता 1915 में उनको 1947 दिखाई देता, इतनी उनकी दूरदृष्टि थी तिलक। वो ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेजों ने ये सफलतापूर्वक चला दिया तो भारत को एक रखना मुश्किल हो जाएगा, ये देश के टुकड़े टुकड़े अंग्रेज कर देंगे हिंदू मुसलमान के आधार। इसलिए उन्होंने बंगाल बंटवारे का विरोध किया। लेकिन श्री तिलक की मृत्यु के बाद इस देश में ऐसा दुष्चक्र चला कि गरम दल के जितने भी बड़े नेता थे, तिलक तो उनके सबसे बड़े लीडर थे, श्री लाला लाजपत राय वो लाठी कांड में मारे गए, आप जानते हैं 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करते, भगत सिंह को 1931 में फांसी हो गए, मदन लाल ढींगरा को 1909 में फांसी हो गई, अरविंद घोष जो सबसे बड़े नेता हो सकते थे लोकमान्य तिलक के बाद, क्योंकि लोग उनको बहुत मानते थे, वो संन्यास लेकर पांडिचेरी में चले गए। उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास में रहूंगा और साधु का काम करूंगा। उसके बाद कोई बचा नहीं बड़ा नेता, तो धीरे धीरे सारे गरम दल के नेताओं को अंग्रेजों के पुलिस में 1931 में खत्म हो गए। फिर उसके बाद गांधी जी को एक बार किसी ने कहा कि देखिए लोकमान्य तिलक ने इतना बड़ा काम किया था इस देश में, अब आपको उनका काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक का स्वदेशी का काम तो आगे जरूर बढ़ाऊंगा और अंग्रेजी बहिष्कार का काम भी लगातार मैं करूंगा। श्री लोकमान्य तिलक ने कहा था कि सिर्फ अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करना बल्कि अंग्रेजी भाषा का भी बहिष्कार करना, और उन्होंने अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल भारत में चलते थे उनके पैरेलल, उनके मुकाबले मराठी भाषा के स्कूल शुरू किया। आपको मालूम है पुणे में एक एजुकेशन सोसाइटी बनी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उसके संस्थापक अध्यक्ष लोकमान्य तिलक थे, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को यह काम दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर मराठी भाषी स्कूल होने चाहिए। कर्नाटक में उनका अभियान आया कि कन्नड़ भाषी स्कूल होने चाहिए, उत्तर भारत में अभियान था हिंदी भाषी स्कूल होने चाहिए। तो भाषा के स्तर पर स्वदेशी, भूषा के स्तर पर स्वदेशी, भोजन के स्तर पर स्वदेशी, वस्तुओं के स्तर पर स्वदेशी, ऐसी पूरी तिलक की कल्पना थी, हर स्तर पर स्वदेशी होना ही चाहिए। और तिलक इतने स्वदेशी के आग्रही थे कि कभी उन्होंने अपने वस्तुओं से समझौता नहीं किया। लंदन भी वो कई बार गए थे उपन्यास देने के लिए, लेकिन लंदन भी वो उसी पोशाक में जाते थे जिस पोशाक में आप उनको अंदर देखते, सिर पर वही पगड़ी, एक उनका झप्पा और धोती, लंदन भी उसी पोशाक। आप जानते हैं कि लंदन में ठंडी बहुत होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, फिर भी लोकमान्य तिलक धोती और अपना ये अंग वस्त्र में कुर्ता और ये सिर पे टोपी, इसके अलावा कुछ नहीं, बहुत अधिक हुआ तो कंबल लपेट
थे। तो लंदन में जो भारतवासी रहते थे उनमें से कई लोग उनको कहते थे कि आपको ठंडी नहीं लगती, तो उनका एक ही जवाब होता था कि मेरे शरीर में स्वराज्य की इतनी अग्नि जल रही है कि ठंडी कैसे लगेगी। और जब भी लोकमान्य तिलक को टोकने वाला कोई होता था लंदन में, तो उनमें से सबसे पहले व्यक्ति होते थे श्री विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर उस समय लंदन में ही थे और एक बहुत बड़ा इंडिया हाउस बनाया था। विनायक दामोदर सावरकर के एक सहयोगी थे श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, इन लोगों ने लंदन में फंड इकट्ठा किया था और वो फंड से एक भवन बनाया था और उसका नाम था इंडिया हाउस। हिंदी में नाम था भारत भवन, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नाम रखा था इंडिया हाउस। लोकमान्य तिलक जब भी लंदन गए तो वहां ठहरते थे इंडिया हाउस में। कारण क्या था कि भारत के जो भी क्रांतिकारी थे सभी के लिए वो घर के जैसा था। तो वहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी रहते थे, अभ्यास करते थे और भारत में आकर क्या क्या काम करना है स्वराज्य के लिए उसकी योजनाएं बनाया करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लोकमान्य तिलक को कई बार कहते थे कि आपको लंदन में ठंड लग जाएगी, हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो लोकमान्य तिलक वही उत्तर देते थे कि स्वराज्य की गर्मी इतनी है, ठंड कैसे लगेगी। तो ऐसे व्यक्ति हमारे देश की राजनीति में होते और जितने समय वो रहे इस देश में उन्होंने अद्भुत काम किए। दो बड़े अखबार जीवन भर वो निकालते रहे अपनी मृत्यु तक। एक अखबार का नाम था केसरी, आप सभी जानते हैं वो मराठी में निकलता। केसरी अखबार में ऐसे अग्रलेख वो लिखा करते थे श्री तिलक कि लोग पढ़ें तो उनके अंदर खून जले, ऐसी भाषा उनकी होती थी। और भारत के पहले अखबारों में उसकी गिनती होती थी केसरी, जो उस समय 53,000 बिकता था, 53,000 उसका कॉपी बिकती थी और एक कॉपी को 10 से 12 लोग पढ़े। माने हर दिन भारत के माध्यम से, गणपति उत्सव के माध्यम से सारे देश में एक अभिनव क्रांति जो उन्होंने शुरू की, उसी का परिणाम था कि गांधी जी जैसे व्यक्ति को यह मानना पड़ा कि मेरी गलती से मैंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया था, लेकिन अगर तिलक जीवित हो तो मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। ये 1930 में गांधी जी ने कहा। आप जानते हैं कि गांधी जी 1914-15 में भारत जब आए तो सबसे पहले वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के घर गए थे मुंबई में। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में सब लोग कहते थे कि ये अंग्रेजों का एजेंट है, यही शब्द उनके बारे में बोले जाते। वो हमेशा इस तरह के काम किया करते थे जिससे अंग्रेजों को सुविधा हो। भारत के क्रांतिकारियों को पकड़वाने में उन्होंने बहुत लोगों के नाम बताए थे, तो अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता था। गांधी जी पहली बार उन्हीं के घर गए और गांधी जी ने कहा कि मैं तो आपको अपना राजनीतिक गुरु मानता। 1930 में गांधी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और 1930 में जब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया तो श्री लोकमान्य तिलक के ही कार्यकर्ता गांधी जी के साथ थे नमक सत्याग्रह, जो गणेशोत्सव में से निकले वंद कोटि प्रत्यक्ष कार्यकर्ता गांधी जी के साथ थे। क्योंकि लोकमान्य तिलक ने मृत्यु से पहले अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा था कि मुझे भारत में ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई कुछ करेगा देश के लिए, लेकिन ये मोहनदास आदमी जो है ये जरूर कुछ कर सकता है देश के लिए, कभी जरूरत पड़े तो इसको मदद करना, बाकी किसी नेता के बारे में उनको भरोसा नहीं था। गांधी जी को 1930 में रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने एक खत लिखा है, वो खत लोकमान्य तिलक जी का जो घर है वहां पर आजकल एक म्यूजियम है, एक स्मारक है, वहां रखा हुआ। और वो खत में गांधी जी यही लिख रहे हैं कि मेरी गलती हुई जो मैंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया, श्री तिलक कहीं भी हो आज से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। और ये रियलाइजेशन गांधी जी को कब हुआ, गांधी जी जब नमक सत्याग्रह के लिए अहमदाबाद से निकले पद यात्रा करते हुए, तो उनके कांग्रेस के जो सबसे भरोसेमंद कार्यकर्ता थे उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। गांधी जी को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। गोपाल कृष्ण गोखले तो तब जीवित नहीं थे लेकिन उनके परिवार के लोगों ने गांधी जी से किनारा कर दिया।
और गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए अहमदाबाद आश्रम छोड़ा तो मात्र 72 कार्यकर्ता उनके साथ थे, ओनली 72। लेकिन वही गांधी जी जब नमक कानून तोड़ने के लिए सूरत के पास पहुंचे तो 1,23,00,000 कार्यकर्ता उनके पीछे थे। ये वही लोग थे जो लोकमान्य तिलक ने तैयार किए। और जब इनका समूह देखा गांधी जी ने, तब गांधी जी को रियलाइजेशन हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले में तो कोई दम नहीं है, जो दम है तो वो तिलक में है। तिलक जी की मृत्यु के 10 साल बाद भी वो संगठन इतना ताकतवर है कि उसमें 1,23,00,000 कार्यकर्ता है। तभी गांधी जी ने यह पत्र लिखा और अपनी गलती को सुधारा। और बाद में यही कार्यकर्ता जो गणेशोत्सव में से निकले, दुर्गा उत्सव में से निकले, स्वदेशी आंदोलन में से निकले, इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया। उनको भरोसा इन्हीं पर था और ये कार्यकर्ताओं ने अंतिम दिन तक गांधी जी का साथ निभाया। भारत छोड़ो आंदोलन का जैसे ही कॉल हुआ, गांधी जी गिरफ्तार हो गए, सारे बड़े नेता गिरफ्तार हुए, तो ये 1,20,00,000 जो कार्यकर्ता थे पूरे देश में, इन्होंने ही पूरा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और यही आंदोलन की ताकत थी कि 1945 तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्वीकार करना पड़ा कि अब भारत से जाना ही पड़ेगा, अब यहां रह नहीं सकते। और ये कार्यकर्ता कैसे कैसे काम करते थे, ये जो स्वदेशी के अभियान के कार्यकर्ता थे ये ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो गए, कार्यकर्ता आर्मी में चले गए, वो ब्रिटिश नेवी में ज्वाइन हो गए और ब्रिटिश नेवी और आर्मी में ज्वाइन होकर अंदर से रिवोल्ट करा दिया। आप जानते हैं 1944-45 में बंबई में ब्रिटिश नेवी में रिवोल्ट हो गया था, बगावत हो गई, और उस रिवोल्ट का दुष्परिणाम था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया कि अभी भारत में रहना मुश्किल, तो सेना में बगावत करा दी। ऐसे स्वदेशी के पक्के और सक्षम कार्यकर्ता श्री तिलक ने तैयार किए और उन्हें ही सब लोगों की ताकत से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन आप जानते हैं खंडित भारत आजाद हुआ। मुस्लिम लीग जो बना दिया अंग्रेजों ने, वही मुस्लिम लीग भारत में ऐसा विश्व वृक्ष बन गया कि उन्होंने पाकिस्तान अलग करा ही लिया। मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान अलग कराया भारत देश से, इसमें अंग्रेजों ने पूरी भूमिका निभाई। और अंग्रेजों का यह था कि मुस्लिम लीग को भारत में इतना बढ़ावा दो कि ये कांग्रेस के हिंदू नेताओं से थोड़ी बड़ी संस्था हो जाए। तो मुस्लिम लीग का सारा फंड अंग्रेजों के यहां से आता था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मोहम्मद अली जिन्ना जितना भी पैसा खर्च किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन में दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना का एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैन माना जाता था सोहरावर्दी करके, वो कलकत्ता का बड़ा नेता था। सोहरावर्दी जितना खर्चा किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन में दिया। अंग्रेजों का एक अखबार निकलता था इस देश में जो अभी भी निकलता है, उसका नाम था द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजों का अखबार आज भी है। अंग्रेजी एक कंपनी है जिसका नाम है बेनेट एंड कोलमैन, ये उसी कंपनी का अखबार है, तभी से निकलता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी थी कि मुस्लिम लीग का नेता छोटी से छोटी सभा का आयोजन करे तो उसको बड़े से बड़ा पोस्टर बनाकर, उसकी बड़ी न्यूज बनाकर टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर देना। कई बार ऐसी हंसी आती है, मोहम्मद अली जिन्ना को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की न्यूज होती थी कि मोहम्मद अली जिन्ना कल से बीमार है, वो घर से बाहर नहीं निकला, उसको फ्रंट पेज पे कवरेज होता। और आपको मैं एक आश्चर्य करने वाली बात बताता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था, मुसलमानों का नेता वो कभी नहीं बन पाए। मुस्लिम लीग एक संगठन था, उसका नेता था, मुसलमानों ने उसे अपना नेता कभी नहीं माना। आप जानते हैं कारण क्या था? कारण सबसे बड़ा यह था कि मोहम्मद अली जिन्ना रोज हंदी मांस खाता। हंदी मांस समझते हैं, पोर्क। और मुसलमान उसको अपना नेता मान नहीं सकते जो हंदी मांस खाए। दूसरी समस्या थी कि मोहम्मद अली जिन्ना रोज शराब पीता था, मुसलमानों में शराब वर्जित है, हंदी मांस वर्जित है, शराब वर्जित। और तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुख्य धंधा था वो ब्याज पर पैसे उठाने का धंधा था उसका, मुस्लिम धर्म में इसको भी स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मुसलमान उसको अपना नेता कभी नहीं मानते।
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक बार ये जिन्ना लाहौर में मुसलमानों की एक सभा में चला गया तो मुसलमानों ने मंच पर चढ़कर इसका मुंह काला कर दिया और एक गधे पर बिठाकर उसका सर्कस निकाला पूरे लाहौर। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी लाहौर जाने की, अखबारों में खूब छपा और जिन्ना को पूछा गया कि आपके मुसलमान ही आपको नेता नहीं मानते तो आप है किसके नेता? तो धीरे से उसने कहा कि मैं तो अंग्रेजों का नेता हूं, अंग्रेजों का बनाया हुआ नेता। अब आप जरा सोच सकते हैं जिसको मुसलमानों ने नेता नहीं माना उस व्यक्ति की ताकत इतनी कैसे हो गई कि उसने पाकिस्तान बना दिया इस देश। कभी तो मन में ये विचार आएगा आपके, बहुत दिन में ये सोचता रहा कि जो मुसलमानों का नेता कभी हुआ नहीं, 10 लोगों ने जिंदगी में कभी उसका भाषण सुना नहीं, वो इतना ताकतवर कैसे हुआ कि उसने भारत से एक अलग हिस्सा पाकिस्तान बना दिया। बात यह है और सच्चाई है जो मैं आपको बोलकर जाना चाहता हूं, और ये सच्चाई सुनते समय किसी के दिल को दुखावा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं कि ये जो पाकिस्तान बना उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका इतनी बड़ी नहीं थी, उससे ज्यादा बड़ी भूमिका लेडी माउंटबेटन की थी। एडविना माउंटबेटन का नाम आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, वो भारत का अंतिम अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लुईस माउंटबेटन, उसकी पत्नी थी एडविना माउंटबेटन। ये पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा कारण वो एडविना थी। आप जानते हैं वो क्या खेल खेला उसने? एडविना माउंटबेटन लंदन के हैरिस कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें ये जिन्ना पढ़ा करता, और उसी कॉलेज में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ते। हैरिस कॉलेज में तीन लोग पढ़ते थे साथ में एक ही क्लास में, ध्यान देना, जिन्ना, मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना। उस समय वो माउंटबेटन नहीं थे, शादी उसकी बाद में हुई, तो एडविना, जिन्ना और नेहरू एक ही क्लास में पढ़ते थे और रिकॉर्ड्स और दस्तावेज बताते हैं कि एडविना से दोनों लगे हुए थे, ये डॉक्यूमेंट्स बताते। और एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी, इतनी चालाक, एक को सवेरे मॉर्निंग में दूसरे को शाम, दोनों को हैंडल करती। और जिन्ना और नेहरू का सबसे बड़ा जो झगड़ा होता था वो एडविना को लेकर, ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ, हैरिस कॉलेज से। नेहरू जी पढ़ाई करके वापस आ गए, जिन्ना भी पढ़ाई करके वापस आ गया, दोनों ने यहां इस देश में वकालत करने की कोशिश की लेकिन चली नहीं, ना नेहरू जी की वकालत चली ना जिन्ना की वकालत चली। दोनों बैरिस्टर थे, उनको जिंदगी में कभी कोई केस ही नहीं मिला लड़ने के। कारण समझते हैं, कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि केस उसको मिलता है जिसके जीतने की संभावना होती है। नेहरू जी के बारे में सब जानते थे कि इसको कोई दम नहीं है, जो जीत पाएगा एक भी केस। तो वकालत चली नहीं तो नेहरू जी कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, उनके पिताजी ने उनको कांग्रेस में डाल दिया। पिताजी का सपना था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा कोई ना कोई दिन देश के बड़े पद पर आना। उसके लिए मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और अंग्रेजों से उन्होंने तालमेल करके इस देश में सरकार बनाने का काम भी किया। और उनका यह कैलकुलेशन था मोतीलाल जी का कि एक ना एक दिन अंग्रेज भारत से जाएंगे, मेरी स्वराज पार्टी और अंग्रेजों के बीच कोई समझौता हो जाए तो सत्ता का हस्तांतरण स्वराज पार्टी को होगा और नेहरू देश का प्रधानमंत्री बने। इस हिसाब से उन्होंने खेल खेला और उसी खेल में थोड़े दिनों में एडविना भी आ गई। जब अंतिम समय आया, लुईस माउंटबेटन को ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजा गया, तो लुईस माउंटबेटन को भारत भेजने से पहले उसकी शादी एडविना के साथ कराई गई, क्योंकि अंग्रेज खुफिया पुलिस थी, उनको मालूम था कि नेहरू और जिन्ना की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है। अंग्रेजों की खुफिया पुलिस हर हिंदुस्तानी बड़े नेता पर नजर रखती थी, तो अंग्रेजों की खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडविना को भेजा गया माउंटबेटन के साथ, और माउंटबेटन को कहा गया कि तुम इसको
दिखाने के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करो, वैसे ये है नहीं तुम्हारी। तो माउंटबेटन ने कहा ठीक है, मैं मेरे देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। तो उसको पत्नी के रूप में वो लाया, लेकिन कभी भी लुइस माउंटबेटन ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने एडविना के साथ कभी भी रात में बिस्तर पर शेयर नहीं किया। वो दूसरों को दिखाने के लिए पति पत्नी थे, लेकिन असलियत में नहीं थे। और जैसे ही माउंटबेटन यहां आ गया तो एडविना को कहा गया कि अब तुम तुम्हारा खेल खेलो। तो एडविना ने एक दिन नेहरू को बुलाया और अगले दिन जिन्ना को बुलाया और कहा कि ठीक है, हम लंदन में जो किया करते थे वो यहां भी हो सकता है। तो नियमित रूप से नेहरू और जिन्ना ने एडविना के यहां जाना शुरू किया, दारू पीना उसके साथ बैठकर, शराब पीना उसके साथ बैठकर। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। नेहरू जी एडविना के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं, एडविना के साथ बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, एडविना को किस कर रहे हैं, चुंबन ले रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास 7 फोटोग्राफ्स, 7। तो ये चलना शुरू हुआ खेल। आप जानते हैं कि चरित्र सबसे कमजोर कड़ी होता है किसी भी पुरुष के लिए। अगर चरित्र से कोई गिरना शुरू हो जाए तो उसकी अंतिम सीमा नहीं होती है कोई, वो कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता। हमारे भारत में एक पुरानी कहावत कही जाती है और वो पुरानी कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आपका पैसा चला गया तो चिंता मत करिए, फिर से आ जाए। फिर दूसरी बात कही जाती है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। आपका स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा कुछ तो गया, लेकिन लास्ट सेंटेंस है, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया तो सब चला गया, उसके बाद कुछ बचता नहीं। तो नेहरू जी के साथ यही समस्या थी और जिन्ना के साथ भी यही समस्या थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के इतने हल्के आदमी थे कि जानते हुए भी कि वो दोनों एक ही औरत से फंसे हुए हैं, वो आगे बढ़ते गए। एडविना ने दोनों को इस्तेमाल करना शुरू किया। 3 जुलाई 1947 को नेहरू जी एडविना से मिलने गए। रात को उसने फोटोग्राफ लिए, नेहरू जी के बेड में फोटोग्राफ लिए, और वो फोटोग्राफ नेहरू जी के लिए बहुत गंभीर तकलीफ का कारण बन गया। एडविना ने एक दिन वो फोटो दिखाए नेहरू जी को कि देखिए आपके फोटोग्राफ्स मेरे पास है, और वो फोटोग्राफ्स क्या है जो मैंने आपको बताया, अगर ये रिलीज कर दिया जाए पूरे भारत में तो आपकी क्या हैसियत होगी, और आपको जो सबसे आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है महात्मा गांधी, उनकी क्या हालत होगी। तो नेहरू जी ने एडविना को पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो उसने कहा कि एक पेपर है उस पर आप साइन कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा वो पेपर क्या है। तो उनका पेपर है कि भारत का बंटवारा करना है, हिंदू और मुसलमान के आधार पर करना, आप इसको साइन कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा कि मेरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पूछ लेता हूं। तो एडविना ने कहा इतना वक्त नहीं है मेरे पास, आप साइन करते हैं या कल ये फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में छपते। नेहरू जी सरेंडर हो गए। रात को 3 बजे 3 जुलाई 1947 रात को 3 बजे उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे के पेपर्स पर साइन। अगले दिन सवेरे उसने जिन्ना को बुलाया एडविना, और जिन्ना के साथ उसने यही खेल खेला। उनका मिस्टर जिन्ना आपके कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, आप चाहें तो मैं उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में रिलीज करती। तो जिन्ना बौखला गया, जिन्ना को मालूम नहीं था कि वो बहुत शातिर महिला है। हमारे भारत में इतिहास में आपने सुना विष कन्याएं होती थी, विष कन्याएं, एडविना वही थी विष कन्या। तो जिन्ना परेशान, अपने फोटो देख के परेशान, क्योंकि जिन्ना का फोटो तो नेहरू जी से भी ज्यादा आपत्तिजनक अवस्था में था। अभी मैं खोलकर नहीं कहना चाहता क्योंकि कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो रही। तो जिन्ना तो और भी परेशान। तो उसने कहा नहीं नहीं ये फोटोग्राफ्स रिलीज मत करिए। तो मैंने कहा ठीक है आप फिर पेपर साइन कर दीजिए। तो जिन्ना ने कहा कि मैं तो मुसलमानों का नेता ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे ना, आप चिंता मत करिए, हम बनाएंगे आपको मुसलमानों का, आप पेपर साइन करिए। तो 4 जुलाई को शाम को करीब 3:30 बजे जिन्ना से हस्ताक्षर लिए, 3 जुलाई को सवेरे 3 बजे नेहरू जी से हस्ताक्षर लिए,
और वो अगले दिन अखबार में आ गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे, पाकिस्तान मुसलमानों को मिलेगा, भारत हिंदुओं को मिलेगा, और इस तरह से देश का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में अगर आप देखना चाहें कि विलेन कौन है, तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अगर मुझसे कोई पूछे तो पहला विलेन इस बंटवारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विलेन मोहम्मद अली जिन्ना। और मैं पंडित नेहरू को पहला विलेन क्यों मानता हूं, मैं आपको एक दूसरी घटना बताता हूं जो इतिहास में अभी दर्ज नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में वो घटना घटित है, डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र है। वो घटना क्या है? घटना यह है कि भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया जिन्ना के हस्ताक्षर और नेहरू के हस्ताक्षर से। थोड़े दिन के बाद गांधी जी को यह पता चला, गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने अपना सिर पीटा। आप में से कोई शायद ये बात नहीं जानता है, गांधी जी को एक आदत थी, और वो आदत ये थी कि वो अपने पर जब गुस्सा करते थे तो अपना सिर पीटते थे, ऐसे करके बहुत तेज मारते, घूसों से मारते थे, अपने को मारते थे। जिस दिन गांधी जी को पता चला कि नेहरू ने बंटवारे के पेपर पर हस्ताक्षर किए, उस दिन उन्होंने अपने को पीटा और उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने जिसको आगे बढ़ाया वो इतना कमजोर निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम। परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने जिन्ना को बुलाया और कहा कि भाई तुम ये बंटवारा क्यों कर रहे हो? तो जिन्ना ने कहा, बापू मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन आप मुझे एक वचन दो तो मैं मेरा एक एफिडेविट लगाने को तैयार हूं, और एडविना ने मेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग किया है वो सबको बताने को तैयार हूं। गांधी जी ने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनवा दो। गांधी जी ने कहा, बस इतनी ही मांग है तुम्हारी? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे प्रधानमंत्री बनवा दो, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने कहा, ठीक है मैं विचार करूंगा तुम्हारी मांग पर। अगले दिन नेहरू को बुलाया और नेहरू से कहा कि देखो जिन्ना तैयार है, वो एफिडेविट देना चाहता है, एडविना ने कुछ ब्लैकमेलिंग किया है, वो पूरे देश को बताना चाहता है, उसकी एक ही शर्त है कि भारत का प्रधानमंत्री उसे होना, बोलो। तो नेहरू जी ने कहा कि बापू जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री तो क्या, मैं मेरे ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकता, कारकुन नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने कहा, तुमको जिन्ना से इतनी दुश्मनी क्यों है? तुम दोनों साथ साथ पढ़े लंदन में हैरिस कॉलेज में, तुमको स्कॉलरशिप मिली, जिन्ना को स्कॉलरशिप मिली, साथ में जिस स्कूल में तुम पढ़े साथ में रहे 15 साल, और तुम में दोस्ती इतनी ज्यादा थी, अब ये दुश्मनी इतनी क्यों? तो नेहरू जी ने असलियत नहीं बताई, जिन्ना और नेहरू जी की जो दुश्मनी थी उसका कारण था एडविना, और कोई दूसरा कारण नहीं था। गांधी जी को बताया नहीं, नेहरू जी ने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री तो क्या चपरासी नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने कहा कि फिर क्या होगा, देश का बंटवारा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है बंटवारा हो जाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो गांधी जी ने कहा, कांग्रेस तो तैयार नहीं है इसके लिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है कांग्रेस थोड़े दिन में तैयार हो जाए। ऐसे करके गांधी जी और नेहरू जी का वार्तालाप पूरा हुआ। फिर गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, 15 उसमें सदस्य थे। उन 15 सदस्यों के सामने गांधी जी ने कहा कि भारत आजाद होगा, लेकिन दुख है कि बंटवारे के साथ कौन प्रधानमंत्री बने। तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको अपना अध्यक्ष चुनेगी वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो वोट डालने का काम किया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वोट डाला, 15 लोगों ने वोट डाला, तो 13 लोगों का वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में गया, 13 लोग। एक वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में गया, और एक व्यक्ति कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एब्सेंट हो गया, वो वोट डालने नहीं आए। और जो व्यक्ति एब्सेंट था वो अनुग्रह नारायण सिन्हा नाम के एक व्यक्ति थे, पटना से थे, बिहार से, वो एब्सेंट हो गए। तो एक वोट नेहरू को, 13 वोट पटेल को। गांधी जी के फॉर्मूले के अनुसार पटेल भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वर्किंग कमेटी ने अध्यक्ष चुना। जब नेहरू जी को पता चला कि वो इलेक्शन में हार गए, तो वो फिर गांधी जी के पास आए, और उन्होंने जो वाक्य बोला वो मैं आपको ऐसे का ऐसे ही सुनाता हूं।
उन्होंने कहा बापू अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना तो कांग्रेस को तोड़ दूंगा और टूटी हुई कांग्रेस से अंग्रेजों का समझौता होगा और पावर ट्रांसफर मुझे होगी क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से यह तय किया हुआ है। और ये बात सही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह तय हो गया था कि भारत में कभी सत्ता का हस्तांतरण करना पड़े तो नेहरू के हाथ में ही सत्ता देनी है। क्यों? क्योंकि विंस्टन चर्चिल और क्लेमेंट आर एटली जो दो बड़े लीडर थे उस समय इंग्लैंड के, एटली प्राइम मिनिस्टर था, चर्चिल लीडर ऑफ द अपोजिशन था, दोनों का ये मानना था कि ये नेहरू अपना ही आदमी है, शरीर से देखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा इसकी अंग्रेजों वाली है, इसको सत्ता दे दो तो भारत हमारे ही कब्जे में रहेगा ऐसा मान लो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्ताव कर दिया था, नेहरू जी को उसकी जानकारी हो गई थी, नेहरू जी ने इस पर गांधी जी को ब्लैकमेल किया और कहा कि मैं अगर सत्ता में नहीं आया तो कांग्रेस को तोड़ूंगा। और अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि कांग्रेस अगर टूट भी गई तो नेहरू वाली कांग्रेस को वो पावर ट्रांसफर करके भारत से चले जाएंगे। तब गांधी जी ने सरदार पटेल को बुलाया और कहा कि अब क्या करना। तो सरदार पटेल ने कहा कि देश का एक बंटवारा और हो ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं मेरा नाम वापस लेता हूं, आप नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ करवाइए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ उसको नहीं करा सकता क्योंकि मेरा दिल अब उससे हट गया है, ये जरूर है कि तुम मंत्रिमंडल में आ जाओ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहो ताकि नेहरू के ऊपर कंट्रोल रहे, और मैं तो जाऊंगा नहीं ऐसे किसी समारोह में जहां नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। पर आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ गांधी जी उसमें नहीं गए, गांधी जी उस समय बंगाल के एक गांव में थे नोआखाली में, ये गांव अभी बांग्लादेश में चला गया, तो नोआखाली के गांव में गांधी जी थे, करीब करीब दिल्ली से ये 1700 किलोमीटर दूर है नोआखाली, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, गांधी जी ये कहा करते थे स्वतंत्रता नहीं आई है, आजादी नहीं आई है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है बस। और जो गांधी जी बोलकर नहीं गए और वो उनके कहने में समझ में आता है वो मैं कह देता हूं, गांधी जी ये मानते थे कि गोरे अंग्रेजों की सत्ता किसी काले अंग्रेज के हाथ में आई, इसलिए वो सत्ता के समारोह में शामिल नहीं हुए। और आप फिर जानते हैं इतिहास आपके सामने है, जिन्ना अलग पाकिस्तान का बन गया ये बन गया। एक घटना बीच में और हुई थी वो भी मैं समझा दूंगा तो समझ में आएगा नेहरू जी का चरित्र। गांधी जी को एक डॉक्टर मिलने आया एक बार, और ये घटना आजादी मिलने से थोड़े दिन पहले की है, गांधी जी कलकत्ता के पास नोआखाली में थे, एक डॉक्टर आया, वो डॉक्टर ने गांधी जी को परिचय दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल फिजिशियन हूं, एक ईरानी व्यक्ति था तो नाम मैं भूल गया हूं रिकॉर्ड्स में है। उसने गांधी जी को कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल फिजिशियन हूं, आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो गांधी जी ने कहा क्या बात करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा अकेले में सबके सामने में। तो गांधी जी उसको कमरे में लेके गए, अंदर जो बातचीत गांधी जी ने की उन्होंने कहा कि देखो मेरी एक संकल्प है, गांधी जी ने डॉक्टर को कहा कि मेरी बातचीत में कोई तीसरा जरूर रहता है जो उसको नोट करता है लिखता है, मैंने आपको क्या कहा आपने मुझे क्या कहा। तो उन्होंने कहा वो कौन व्यक्ति है, उन्होंने कहा मेरा सेक्रेटरी प्यारे लाल वो भी यहाँ रहेगा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है उससे मुझे कोई बाधा नहीं, माने तकलीफ नहीं आप बुला लो। तो प्यारे लाल जी को बुलाया और गांधी जी ने कहा कि मैं और ये बात करेंगे, एक एक शब्द लिखना। प्यारे लाल जी बहुत फास्ट लिखते थे, शॉर्ट हैंड में लिखते थे, बाद में उसका ट्रांसक्रिप्शन करते। तो डॉक्टर ने जो बताया गांधी जी को, गांधी जी परेशान हो गए वो सुन के, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का मैं डॉक्टर हूं और ये जिन्ना बहुत जल्दी मरने वाला है। गांधी जी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा इसको बोन टीबी है, इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी गल चुकी है, इसका नर्वस सिस्टम ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। तो गांधी जी ने कहा कितने दिन जिंदा रहेगा, तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है 2-3 महीने भी जिंदा ना रहे। तो डॉक्टर को पूछा गांधी जी ने आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि आप किसी तरह नेहरू को समझा दो 2-3 महीने ये जिंदा रहेगा, इसको भारत का प्रधानमंत्री बना दो, देश का बंटवारा तो नहीं होगा। तो
गांधी जी ने कहा कि तुम्हारी यह बात में अगर सच्चाई है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। फिर उन्होंने नेहरू को बुलाया और कहा, देखो नेहरू, ये मरने वाला है, जिंदा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसको बोन टीवी हो गई है, इसका डॉक्टर कहता है कि 2-3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, तुम क्यों अड़े हुए हो, इसको प्रधानमंत्री बन जाने दो, 2-3 महीने के बाद तुम बन जाना, देश तो एक रहेगा। तब नेहरू ने फिर वही वाक्य कि मैं जिन्ना को मेरे ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री कैसे बनने दूं। तो नेहरू की जिद और जिन्ना का ब्लैकमेलिंग, ये दोनों मिलकर भारत का बंटवारा कर गए और इसमें भारत टूटा। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं, कोई विचार के आधार पर नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के कारण। और मैं अभी सब लोगों को यह बोलता हूं कि नेहरू जी तो स्वर्गवासी हो गए 1964 में, लेकिन उनकी आत्मा अब भारत के उन सब नेताओं में प्रवेश कर चुकी है जो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार। वो तो मर गए 27 मई 1964 को, और आप में से शायद कोई जानता है या नहीं, नेहरू जी की मृत्यु बहुत ही दुखद थी। उनको सबसे खराब वो बीमारी हुई थी जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है, STD, आज का एड्स कह सकते हैं, STD उनको था। और उनकी मृत्यु के समय जिस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया था वो बताता है कि नेहरू जी का शरीर सड़ गया, कीड़े पड़ गए थे, बहुत दुखद मृत्यु। नेहरू जी की मृत्यु के समय उनके परिवार की जो महिला उनके साथ में थी उसकी लिखी हुई डायरी में यह है कि नेहरू जी के अंग सड़ गए थे, शरीर के कीड़े पड़ गए थे उसमें, इसलिए वो प्रधानमंत्री पद से छुट्टी लेकर देहरादून गए थे छुट्टी बिताने के लिए, लेकिन वहां से वापस नहीं आए, तो वो तो चले गए, पाकिस्तान बनवा गए देश में। जिन्ना का क्या हुआ, भारत पाकिस्तान जैसे ही अलग हुए उसके लगभग 7वें महीने में जिन्ना मर गया, बंटवारा हो गया 14 अगस्त 1947 और इसके ठीक 7वें महीने में जिन्ना मर गया। तो उधर पाकिस्तान जिसने बनाया वो पाकिस्तान का मजा नहीं ले पाया कभी, और पाकिस्तान जिनके लिए बनाया वो पाकिस्तान कभी गए नहीं। आप जानते हैं पाकिस्तान बनाने का जो सबसे बड़ा लॉजिक था वो ये कि भारत में रहने वाले मुसलमान वहां जाएंगे और उनके लिए पाकिस्तान बनेगा, वो यहां से गए नहीं, वो यहां है, शिया हो चाहे सुन्नी हो वो भारत में ही है, वो पाकिस्तान गए नहीं। और जिन्होंने कभी पाकिस्तान मांगा नहीं उनके सिर पर यह पाकिस्तान थोप दिया गया। वो अफगानिस्तान की सीमा पर रहने वाले जो बलूची लोग हैं ना, उनके ऊपर जबरदस्ती ये थोप दिया। आज पाकिस्तान क्या है आप जानते हैं, सारा का सारा पाकिस्तान ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जो उसके जन्म से शुरू हुई, और जन्म से जो समस्या शुरू हुई जिन्ना के द्वारा उसी का दुष्परिणाम है कि आज तक उस देश में कभी लोकतंत्र नहीं रह पाया, प्रजातंत्र नहीं रह पाया, हमेशा किसी सैनिक ने उसका शासन किया, और आज भी आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ उन्हीं सैनिकों का रूप है जो जिन्ना के द्वारा पल्लवित और पोषित हुए। लेकिन भारत को एक बड़ा नासूर दे गए, और वो नासूर ये भारत के 3 विलेन, एक जिन्ना, नेहरू और एडविना, ये 3 विलेन को मैं मानता हूं भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। इतिहास के सारे डॉक्यूमेंट्स यही बताते हैं। और ये जो सब हो गया कहानी, उस कहानी के बाद की अब कहानी ये है कि पाकिस्तान को चलाने वाले जो सैनिक शासक हुए उन्होंने ये तय कर रखा है कि भारत को एक ना एक दिन वैसे ही तोड़ना है जैसे भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा। आप जानते हैं 1971 में भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश अलग करा दिया, और वो अलग हुआ उसका दर्द पाकिस्तान को है, तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा बांग्लादेश अलग हुआ तो अब हम भारत का जम्मू कश्मीर अलग करेंगे। इसके लिए 71 के बाद से जितने भी पाकिस्तानी शासक हुए सबने आतंकवाद जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, अलगाववाद जम्मू कश्मीर में बढ़ना चाहिए, उसके लिए काम किया है, धन भी दिया है और अपने सैनिक भी दिए हैं, और वो आतंकवाद और अलगाव
इस्लामाबाद जो 72 से चालू है जम्मू कश्मीर में, वो आज इतना बड़ा नासूर है कि भारत के 7,000 से ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है या शहादत हो चुकी है जम्मू कश्मीर को भारत में बनाए रखे। जम्मू कश्मीर भारत में रहे उसके लिए संविधान हमारे देश में बदल किया गया। एक आर्टिकल डाला गया 370 जो दुनिया के किसी संविधान में आपको नहीं मिलेगा। उस आर्टिकल के आधार पर जम्मू कश्मीर को एक देश का दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होता। भारत की संसद में कोई भी कानून बनाया जाए वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। हमारी संसद जब कानून बनाती है उस कानून का पहला पन्ना आप पढ़ें, ड्राफ्ट जिसको कहा जाता है, उसमें पहले ही वाक्य में लिखा जाता है एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हमारी संसद ने आजादी के बाद ऐसे हजारों कानून बनाए हैं जो आपके ऊपर लागू है, मेरे ऊपर लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है वो कानून। उनके कानून उनकी संसद में जिसको वो असेंबली कहते हैं वहां बनते हैं। और आप जानते हैं बहुत साल तक तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को सदरे रियासत बोला जाता था, माने जिसको हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं। उनका झंडा अलग है, भारत का झंडा अलग है। उनका कानून अलग है, भारत का कानून अलग है। उनका संविधान अलग है, भारत का संविधान अलग है। फिर आप बोलिए कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। वो हमारा झंडा नहीं मानते, वो हमारा संविधान नहीं मानते, वो हमारा कानून नहीं मानते। फिर हम कहें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये किसको मूर्ख बनाने के लिए कहेगा? आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत की सरकार आपके लिए कोई भी खर्चा करे तो उसकी पाई पाई का हिसाब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है उसका हिसाब किसी के पास नहीं। मैंने बहुत बार सीएजी को चिट्ठी लिखा कि जम्मू कश्मीर पर पिछले 60 साल में हमने जो खर्चा किया है उसका मुझे क्लासिफिकेशन चाहिए, डिटेल चाहिए। सीएजी कहता है कि मेरे पास नहीं है। फिर हमने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से उत्तर मिला कि जम्मू कश्मीर का हिसाब दिल्ली में नहीं रखा जाता, वो जम्मू कश्मीर में रखा जाता। फिर जम्मू कश्मीर को पत्र गया हमारा, वहां से वापस आ गया कि ये हिसाब हम किसी भी भारतवासी को बताने के लिए मजबूर नहीं। मेरी चिट्ठी मेरे पास है, वो मानते नहीं कि भारत का अंग है। हम जबरदस्ती कहते हैं कि ये भारत का अंग है। पाकिस्तान वहां आतंकवादी भेजता रहता है, खुराफात करता रहता है, उनके लिए पैसा उपलब्ध कराता रहता है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में इतना दम है कि वो 60 साल से आतंकवादियों को भेज के पैसा खर्च करके इसको चलाए रख सकता है, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। पाकिस्तान की दम नहीं है ये सब करने की। पाकिस्तान को ये सब करने के लिए अमरीका उकसाता रहता है। अमरीका है तो पाकिस्तान को पैसा भेजता है, वो पाकिस्तान पैसा जम्मू कश्मीर में भेजता है और वो लश्करे तैयबा, जैशे मोहम्मद, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठनों को पैसा मिलता है और वो पैसे से सारे देश में बम ब्लास्ट होते हैं, जम्मू कश्मीर में तो होते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर में जितने आतंकवादी संगठन है उसमें काम करने वाला एक भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर का नहीं, वो सब विदेश से आए हुए हैं। भारत की आर्मी कहती है कि कुछ 1500 से 2000 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में है, वो सब पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या कहीं दूसरे देश से आए हैं और पैसे पर काम करते हैं। और हमारी सरकार की कैसी विचित्र है, जम्मू कश्मीर में एक संगठन है जिसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये छोटी छोटी पार्टियों का एक बड़ा समूह है। इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में एक आदमी है, उसका नाम है यासीन मलिक। कभी आपने उसका चेहरा अगर टीवी पर देखा हो तो इतना दुबला पतला सीखिया हड्डी का आदमी है कि आप फूंक मारो तो उड़ जाए। मैं सच कह रहा हूं, अगर कोई अच्छा खासा हिंदुस्तानी उसको एक छापड़ मार दे तो जमीन पर 3 पलटियां खाए, इतना कमजोर आदमी है। उसको भारत सरकार ने सुपर हीरो बना रखा है।
क्यों? भारत सरकार जब भी बातचीत करती है तो यासीन मलिक से बातचीत करती है, और इस चक्कर में अखबारों में नाम आता है, टीवी पे नाम आता है, वो चर्चा में चढ़ता ही चला जाता है, वो चर्चा अमेरिका तक जाती है, तो अमेरिका से सीधे पैसा उसको आना शुरू हो जाता है। आप पूछेंगे जी अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है? भारत का जो जम्मू कश्मीर है ये अमेरिका को चाहिए, पाकिस्तान के लिए तो ये बेकार का है। मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले रखा है उसी को वो संभाल के नहीं रख पा रहा है, जम्मू कश्मीर को क्या है? ये अमेरिका को चाहिए जम्मू कश्मीर। क्यों? जम्मू कश्मीर की सीमा से चीन की सीमा लगी हुई है, और अमेरिका और चीन का पुराना झगड़ा है, अमेरिका और चीन एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन है। तो अमेरिका की योजना है कि चीन पर एक दिन हमला करना है, जैसे इराक पर किया। वो हमला करने के लिए अमेरिका के जहाजों को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां से हवाई जहाज उड़े और चीन पर जाकर मिसाइल डाले, और वो स्थान जम्मू में है, इसलिए अमेरिका को ये चाहिए। तो अमेरिका बंदूक चला रहा है पाकिस्तान के कंधे पर रख के, और ये बंदूक है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा, पाकिस्तान ये अमेरिका को दे देगा, अमेरिका फिर वहां सैनिक अड्डा बनाएगा, और वो सैनिक अड्डा एक दिन चीन के खिलाफ काम आएगा। ये है राजनीति। अब आप बोलेंगे जी अगर ये राजनीति चल रही है भारत को बर्बाद करने के लिए, तो आप पूछेंगे जी हम क्या करें, आप क्या करें? मैं आपको एक विनम्र निवेदन करने आया कि आप क्या कर सकते हैं इस पूरी राजनीति को सारे देश से खत्म करने के लिए, और जम्मू कश्मीर को सच में भारत में वापस लाने के लिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जानते हैं क्या, आप में से जितने भी नागरिक यहां खड़े हैं कभी भी जम्मू कश्मीर घूमने के लिए मत जाइए, आप परेशान हो जाएंगे ये सुनकर। आप कहेंगे जी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान है, हम जिंदगी भर पैसा कमाते हैं बचाते हैं जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे, और राजीव दीक्षित बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर घूमने मत जाइए। मैं ये बात पूरे जम्मू कश्मीर का चार बार प्रवास करने के बाद कह रहा हूँ, 4 महीने में जम्मू कश्मीर में रहा, मैंने जो देखा वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ से यात्री और पर्यटक बनकर जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स जम्मू कश्मीर की सरकार लगाती है, जो भारत में कभी नहीं लगता। वो सारे के सारे टैक्स का पैसा कुछ हाथों से होता हुआ आतंकवादियों तक पहुंचता है, सरकार में उनके आदमी बैठे हुए आतंकवादी। आप जानते हैं थोड़े दिन पहले हमारे भारत में जम्मू कश्मीर के एक आदमी को फांसी की सजा हुई है, उसका नाम है अफजल गुरु, ये कश्मीर का, और इसने भारत की संसद पर हमला करने का पूरा प्लान बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी है, लेकिन उसको फांसी अभी तक नहीं हो रही है। कारण समझते हैं, उस अफजल गुरु को बचाने वाले सरकार में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और थोड़े दिन पहले तक हमारे भारत में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अफजल गुरु की जो फाइल है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रोक रखी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रिटायर होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया वो ये कि मेरे पास आज तक अफजल गुरु की फाइल आई ही नहीं, रोकने का तो प्रश्न ही नहीं। तो कहाँ है वो फाइल? वो फाइल भारत सरकार के गृह मंत्रालय में है, जिसका मंत्री है शिवराज पाटिल, उसके पास वो फाइल है। राष्ट्रपति तक भेजी नहीं गई, क्योंकि भेज दी जाती साइन हो जाता फांसी हो जाती। तो अफजल गुरु को बचाने वाले लोग भारत के गृह मंत्रालय में गृह मंत्री की हैसियत में है। आप किस आतंकवाद को कुचलना चाहते हैं इस देश में, जरा सोचिए। मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि आतंकवादियों की मदद करने वाला ही अगर गृह मंत्री है इस देश का, तो कौन से आतंकवाद से आप लड़ना चाहते हैं इस देश में? शिवराज पाटिल के पास फाइल है अफजल गुरु की, और वो फाइल वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि अफजल गुरु को फांसी होगी, और वो फांसी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अफजल गुरु एक ऐसे समूह का सदस्य है
जो आतंकवाद के नाम पर भारत सरकार से पैसा लूट रहा है और जम्मू कश्मीर के नेताओं को बांट रहा है, एक बहुत बड़ा कॉकस और सिंडिकेट बना हुआ। दिल्ली सरकार से हजारों करोड़ रुपए जाता है जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। मैंने आपसे कहा वो अफजल गुरु जैसे लोगों के हाथ में ही पहुंचता है और वो फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दूसरे मंत्री और अधिकारियों में बंटता है। वो सारा पैसा आतंकवाद रोकने के नाम पर जाता है और हम उसमें कैसे मदद करते हैं। हम जम्मू कश्मीर घूमने चले जाते हैं, घूमने में जितना पैसा आप खर्च करके आते हैं वो जाने अनजाने आपका पैसा किसी न किसी तरह आतंकवादियों के हाथ में पहुंच जाता है क्योंकि सरकार में उनके लोग बैठे। मैंने एक दिन सोचा कि आर्मी जब युद्ध लड़ती है तो उसका पहला टारगेट होता है कि दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो, तब युद्ध जीतते। तो मेरे मन में आया कि जम्मू कश्मीर को जो सप्लाई लाइन है, एक तो सरकार की है और दूसरे आप जैसे लोगों की है जो हर साल जून मई के महीने में घूमने के नाम पर वहां जाते हैं, हजारों करोड़ खर्च करके आते हैं, वो पैसा उनको मिलता है और वो पैसे से उनका आतंकवाद पलता है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर का प्रवास करना अगर बंद कर दे, एक दो साल के लिए ही बंद कर दे, तो समाज में जो पैसा वहां पहुंच रहा है वो बंद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर छक मार के हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा क्योंकि उनकी दम नहीं है। आप पैसा देना बंद कर दीजिए और ये तभी संभव है जब आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाना बंद कर दें। हर साल लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहां जा रहे हैं और वहां एक बड़ा मंदिर है वैष्णो देवी का, वहां मत्था टेक कर आ रहे हैं, करोड़ों रुपया उस मंदिर को दान में जा रहा है और वो वैष्णो देवी जी का श्राइन बोर्ड है वो पता नहीं कहां पैसा खर्च कर रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं। मेरी आपको विनंती है, माता जी की पूजा करनी है दुर्गा माता की तो हुगली में भी है, वैष्णो देवी में ही क्या है, हुगली में भी पूजा हो सकती है। और भारत में तो कण कण में भगवान है तो जम्मू जाके कटरा जाके वही पूजा करना, हमारे यहां तो कण कण में भगवान है। तो जिस दिन भारत के 110 कोटी नागरिक एक साथ ये ऐलान कर दें कि हम जम्मू कश्मीर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आतंकवाद खत्म नहीं होता, मैं आपको गारंटी देता हूं एक दो साल ज्यादा नहीं आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये तो मेरी आपसे विनती है। और दूसरी एक विनती है, अभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक नया खेल शुरू हुआ है, वहां के लोग कंधे पर रख के शॉल ले लेके आते हैं और आपके हुबली में बेच बेच के हजारों लाखों रुपए लेके जाते हैं। आप जानते नहीं कि उनमें से कौन आतंकवादी है और कौन सच्चा हिंदुस्तान। पश्मीने के शॉल 10-10 हजार रुपए के इस हुबली में बेचने के लिए हर साल जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं और यहां बेच कर जाते हैं, आपका पैसा वहां पहुंचता है। तो जम्मू कश्मीर से अगर कोई आया हुआ है तो हाथ जोड़कर उसको विनती करिए कि हम तुम्हारा शॉल तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि जम्मू कश्मीर घोषणा ना करे कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं, हम नहीं खरीद सकते, बात खत्म हो गई। तो उनका सामान यहां बिकना बंद हो जाए, आप लोग जो करोड़ों की संख्या में हर साल जम्मू और कश्मीर जा रहे हैं वहां जाना बंद कर दीजिए, आतंकवाद की समस्या हल हो जाएगी क्योंकि आतंकवाद की समस्या पंजाब में जो हल हुई वो इसी तरह से हुई। पंजाब में भी आतंकवाद था और वो हल किया गया वो इसी तरह से कि भारतवासियों को पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स ने कहना शुरू किया यहां आना बंद कर दो, अमृतसर के मंदिर में मत्था टेकना बंद कर दो, गुरुद्वारे में और तमाम जगह जाना बंद कर दो, भारतवासियों ने जाना बंद कर दिया, पंजाब पूरा सूना हो गया, आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई क्योंकि अमृतसर का जो गुरुद्वारा है वहीं से सारा धन पंजाब के आतंकवादियों को जाया करता था और अमृतसर का गुरुद्वारा ही पंजाब के आतंकवादियों का सबसे बड़ा केंद्र और अड्डा बना हुआ था जहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। तो पंजाब का आतंकवाद इस तरह से हद हुआ, जम्मू में भी हो जाएगा, कश्मीर में भी। और एक बार ये हो गया तो भारत का एक नासूर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और एक छोटी सी आखिरी विनंती आपको मैं करना चाहता हूं, वो विनंती ये है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को नहीं अमेरिका को चाहिए इसको ध्यान रखिए। इसका माने
अमेरिका से सावधान रहने की जरूरत है। अभी भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है। आज का अखबार अगर आप उठाकर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि मेरी सरकार गिरे तो गिर जाए, मैं दोस्ती अमेरिका के साथ नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हैं सरकार चलाने वाली जो लेफ्ट पार्टीज है उन्होंने धमकी दे दी है कि अमेरिका के साथ परमाणु करार पर आपने बात आगे की, हम समर्थन वापस लेंगे, सरकार गिरेगी। तो प्रधानमंत्री ने आज कह दिया सरकार गिरे तो गिरे, हम अमेरिका से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, माने परमाणु समझौता हम अमेरिका के साथ करेंगे। ये अमेरिका परमाणु समझौते के नाम पर हमारा हाथ पकड़ रहा है, थोड़े दिन में ये गर्दन पकड़ लेगा, क्योंकि अमेरिका का चरित्र ही यही है, जिससे अमेरिका ने दोस्ती की है उसी को बर्बाद किया। आपको मालूम है सद्दाम हुसैन 1980 में अमेरिका का दोस्त था और सद्दाम हुसैन को इराक का राष्ट्रपति अमेरिका ने बनवाया और वही सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मरवाया, वो अभी हमारी आंखों के सामने। एक छोटा सा देश है वियतनाम, वियतनाम अमेरिका का दोस्त था 1960 में, फिर 1970 के आसपास इसी वियतनाम पर अमेरिका ने बम गिराए और बर्बाद कर दिया उस देश। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, तो अमेरिका की दोस्ती बहुत खतरनाक है। और मैं तो लोगों से सीधी भाषा में ये कहता हूं कि जो खतरनाक जीव जंतु होते हैं उनसे दोस्ती नहीं की जाती। कोबरा सांप है उससे दोस्ती नहीं हो सकती, दूर ही रहना अच्छा है। कोबरा सांप से भी ज्यादा खतरनाक रसल स्वाइपर और करेट होता है, उससे दोस्ती नहीं होती है, पता नहीं कब पलटवार कर दे और आप खत्म हो जाए। इसलिए खतरनाक जीव जंतुओं से दूर रहना ही अच्छा होता है, उनसे दोस्ती अच्छी नहीं है, अमेरिका से भी दोस्ती भारत के लिए अच्छी नहीं। तो आप बोलेंगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप सब भारतवासी मिलकर एक काम कर सकते हैं, वो ये कि अमेरिका के लिए सप्लाई लाइन भारत से बनी हुई है उसको भी तोड़ दो आप, क्योंकि यहां से पैसा अमेरिका जा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को दे रहा है, वो आतंकवादी हमारे लिए सिर दर्द पैदा है। आप बोलेंगे जी ये पैसा अमेरिका कैसे जा रहा है? भारत में अमेरिका की 4,500 कंपनियां धंधा कर रही है, पेप्सी कोला, कोका कोला, कोलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकिटेक, कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, ऐसी 4,500 कंपनियां, इनका माल हम खरीदी कर रहे हैं, हम इन कंपनियों को हर साल 2,00,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो अमेरिका जा रहा है, अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को, पाकिस्तान वो पैसा आतंकवादियों को, और आतंकवादी उस पैसे से हमारा सिर दर्द, तो ये पैसा अमेरिका जाना बंद कर दीजिए। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए वही करना है जो लोकमान्य तिलक का सूत्र था। 1905 में लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य चाहिए तो अंग्रेजी माल बहिष्कार करो। मैं 2007 में आपको कहने आया कि स्वराज्य को सुरक्षित रखना है तो अमरीकी माल का बहिष्कार। आप बोलेंगे जी अमरीकी माल कौन सा? पेप्सी कोला, कोका कोला, ये अमेरिका का, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरहेंस, ये अमेरिका का। बहुत सारे परदेशी अमेरिका के साबुन हमारे घर में हैं, शैंपू हमारे घर में हैं, उनका बनाया हुआ शर्ट पैंट, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई, लोटो, कोड, ये सब अमेरिका का है, रेबेन का चश्मा अमेरिका का है, बहुत सारे सामान हमारे घर में हैं, ये सब खरीदना बंद कर दो आप। और सच में गणपति उत्सव के लिए आप अपने को अधिकारी समझते हो तो श्री लोकमान्य तिलक की तरह से अंग्रेजी और अमेरिकी सामानों की होली जला दो, आग लगा दो, तो लोकमान्य तिलक का आशीर्वाद आपको भी मिल जाए और आगे से वो खरीदना बंद कर दो। आप बोलोगे माहिती कैसे मिलेगी, क्या वस्तु अमेरिका की है क्या भारत की है? हमारे आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक पत्रक बनाया गया है, कन्नड़ में है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, वो पत्रक आप ले लो, उसमें पूरी माहिती है क्या क्या वस्तु अमेरिका और विदेश से आती है, वो खरीदेंगे नहीं, पेप्सी कोला, कोका कोला पियेंगे नहीं, क्योंकि ये पानी जो आप पीते हो इसका 10,000 करोड़ अमेरिका जाता है, अमेरिका पाकिस्तान को देता, पाकिस्तान आतंकवादियों को, वो आपके देश पर बम गिराते, तो पेप्सी को बंद कर दो पीना। फिर आप बोलोगे क्या पिए? यर्णीर पियो, मजीगे पियो, कपिन हाल पियो, हाल पियो, कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध नीर पियो, पेप्सी को से अच्छा। तो इस गणपति उत्सव के समय मैं आपको एक सूत्र देता हूं, पेप्सी को कुड़ी बेड़ी, यर्णीर कुड़ीरी, मजिरे कुड़ीरी, हाल कुड़ीरी, कपिल हाल कुड़ीरी, पेप्सी को कुड़ी बेड़ी,
ऐसे ही कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट उपयोग मार गए क्योंकि ये अमेरिकन है, तो आप बोलेंगे क्या करना, बेबिन कट्टी उपयोग, इसे बेबिन कट्टी, होंगे कट्टी, दंत मंजन, लाल दंत मंजन जास्ती उपयोग, कॉलगेट क्लोजअप उपयोग मार गए, लाइफ बॉय लक्स लिविल रेक्सोना उपयोग मार बेड़ी, स्वदेशी सोप उपयोग, इसी मैसूर संदन चंद्रिका मेडिमिक्स स्वदेशी सोप है उसको उपयोग कर, बूट और चप्पल जो भी है वो हुबली के किसी कारीगर से खरीदो जो हाथ से बनाता है, बाटा कंपनी का कभी मत खरीदो, ये अमेरिकन है, बाटा, बीएससी, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई, ये सब अमेरिका है, जास्ती से जास्ती अमेरिकन वस्तु बहिष्कार। ये अगर आपने किया 1,00,000 करोड़ देश को लाभ होता है, और अगर अमेरिका को ये धन नहीं मिलेगा वो पाकिस्तान को नहीं दे सकता, पाकिस्तान को धन नहीं मिलेगा उसकी ताकत नहीं कि वो भारत में आतंकवाद चला सके, तो हम इसमें इतना समाधान तो कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है शिव खेड़ा, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत की कोई भी समस्या के समाधान में अगर भारतवासी शामिल नहीं है तो वो सब भारतवासी समस्या का हिस्सा है। अगर आप इस देश से आतंकवाद मिटाना नहीं चाहते तो आप आतंकवाद का हिस्सा है। अगर आप गरीबी, भुखमरी, बेकारी इस देश की दूर करने नहीं चाहते तो आप भी गरीबी, भुखमरी का हिस्सा है। माने जो समस्या है उसको हम समाधान करेंगे, भगवान उसके लिए हमें मदद करेंगे। तो हम समस्या के समाधान के रूप में अपने जीवन से अमरीकी चीज वस्तुओं का बहिष्कार करें, अमरीकी दवाओं का बहिष्कार करें, अमरीकी जो भोजन आया है पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, ये बहिष्कार करें, कोई भी अमरीकी वस्तु नहीं बाप है। और आप में से किसी का भी कोई मित्र, बेटा, बेटी अमेरिका में है उसको हाथ जोड़कर विनती करें कि भारत में वापस आओ, तुम्हारी भारत माता को जरूरत है, अमेरिका को इतनी जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो ऐसा एक अभियान पूरे देश में चले जो श्री तिलक ने चलाया 1905 में, वो 2007 में फिर चले, ऐसी भावना के साथ लोग ये सब कहने आए। आप कहेंगे जी अमरीकी कॉलगेट क्लोजअप और उनका पेप्सी कोक तो हम आसानी से बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन अमरीकी दवाओं का बहिष्कार कैसे करें? बहुत लोग कहते हैं कि अमरीकी दवाएं नहीं खाएंगे हम तो मर जाएंगे कैंसर से, डायबिटीज से, हार्ट अटैक से। मैं आपको निवेदन ये करने आया कि आप सारी अमरीकी अंग्रेजी दवाएं खाना बंद कर दो, आपको कोई भी बीमारी नहीं मार सकती। आपके घर में, आपके रसोई में, आपके किचन में इतनी अच्छी दवाएं हैं जिनका उपयोग आप करके बीमारी से बच सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है जिसके लिए अमेरिका से बहुत दवाएं आती है, बंद कर दो। उस हार्ट अटैक से बचने का सबसे अच्छा औषध हमारे घर में है, हमारे घर में एक सोरेकाई है, सोरेकाई, सोरेकाई रस, मराठी में उसको कहते हैं दूधी भोपरा, दूधी भोपरे का रस पीना शुरू कर दो, 3 महीने के बाद आपको हार्ट अटैक की बीमारी ही खत्म हो जाए। भारत में एक योग और प्राणायाम सिखाने वाले संत हैं स्वामी रामदेव, 3 लाख लोगों का उन्होंने हृदय घात ठीक कर दिया दूधी भोपले के रस, सोरेकाई के रस। आप भी कर सकते, हृदय घात के लिए कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, दूधी भोपले का रस चालू कर। दूसरा आप बोलोगे जी डायबिटीज के लिए क्या, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी औषध है मेंटे बीच और त्रिफला चूर्ण, दोनों मिक्स करके सुबह खाली पेट खाना शुरू करो, 3 महीने में डायबिटीज में इंसुलिन लेना ही नहीं पड़ेगा। आप बोलते हैं जो जॉइंट्स पेन है, हिप जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट्स में पेन है, इसके लिए क्या दवा है? इसके लिए सबसे अच्छी दवा है सुन्नत नीरू, सभी घर में सुन्नत नीरू 1 चम्मच डेली आपने उपयोग करना शुरू किया, मूर्तिंगणानंतर सभी जॉइंट्स पेन ठीक हो जाएगा। और ये 15 वर्ष का मेरा तजुर्बा है, मैं बोलूंगा 15 साल से मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेंटे बीच पर, त्रिफला चूर्ण पर, सुन्नत नीर पर, सोरेकाई रस, सुत्ते काई रस, कुंभर काई रस, बदनी काई रस, ये सभी रसों पर एक्सपेरिमेंट करके मैं बता रहा हूं कि 1,40,000 रोग समाप्त करने का ताकत हमारे किचन में है, घर में है, औषधि का आवश्यकता नहीं है, माइटी होनी चाहिए हिंदुस्तान में है। और आपके सबसे खराब रोग कैंसर का भी रोग आप ठीक कर सकते हैं, जो देशी गाय होती है ना, स्वदेशी गाय, भारतीय गाय, इसका मूत्र अगर आप नियमित रूप से पिए और हर्षिन रस,
हर्षिम टर्मेरिक जो ताजा ताजा आता है उसको पीस कर चटनी बनाकर रस निकाले, उसमें जेंटू मिक्स करके लेने लगे, तो गाय का मूत्र, देशी गाय का मूत्र और हर्षिम रस 4 महीने जो आपने दे दिया, कैंसर के मरीज को बहुत आराम आ जाए आसानी से निकल। ये सब माहिती हमारे आयुर्वेद में है, अष्टांग हृदय में है, बड़े बड़े ग्रंथों में है, आप सिर्फ ले लीजिए माहिती। अब बहुत लोग कहते हैं राजीव भाई आपने तो सब पढ़ा है, हमको तो माहिती नहीं है। मैंने ये सब ग्रंथ पढ़ने के बाद कुछ छोटे छोटे पुस्तक बनाए, एक पुस्तक बनाया गोमूत्र चिकित्सा, एक बनाया स्वदेशी भारतीयता, ऐसे बहुत पुस्तक है यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के पास है, आप चाहे तो ले सकते हैं, ये गाड़ी में है। इन पुस्तकों में वंदनूर नलवत्तेंट रोग समाप्त करने का माहिती है, गाय के मूत्र से, मेंथे बीज से, बदनी का रस, कुंभर का रस, सोते का रस, और जो मैं आपको दूसरी माहिती दे रहा था श्री तिलक के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में, उसकी भी पुस्तक है स्वदेशी मत भारतीय कन्नड़ में है, आप ले लीजिए। पुस्तक को मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, आपको अच्छी लगे आपके नाम से प्रकाशित करिए, हल्दी हल्दी नगर नगर प्रचार करिए, देश का काम होगा, मैं ये देश के लिए कर रहा हूं, आपको ये विनती कर रहा हूं। और ये जो व्याख्यान मैंने दिया, उपन्यास दिया, बार बार अगर सुनना चाहे तो इसका कैसेट है, सीडी है, वो भी ले सकते हैं, कॉपी कर करके दूसरों को दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो माहिती मैंने आप तक दी वो माहिती ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और देश की समस्याओं का असली जन्म कहां से हुआ और कैसे हम इनका निदान करें वो सबके समझ में आए, तो शायद ये गणपति उत्सव मनाना हमारा सार्थक हो जाए। गणपति उत्सव की सबसे बड़ी सार्थकता है कि जैसे आजादी और स्वराज्य लाने के लिए गणपति उत्सव उपयोग में लाया गया, वैसे ही स्वराज्य बचाने के लिए ये गणपति उत्सव का उपयोग हो, यही भावना से मैं यहाँ आया। आपने बड़े ध्यान से सुना, मैं आभारी हूँ, और खड़े रहकर मेरा वक्तव्य लगभग 2-2.5 घंटे आपने सुना, इसके लिए और भी आभारी हूँ। आप यहाँ से जाएं तो संकल्प लेकर जाएं कि अपने जीवन में भारत की समस्याओं का समाधान करने का तो प्रयास करेंगे, समस्याओं का अंग नहीं बनेंगे, कम से कम पेप्सी कोका कोला जैसी अमेरिकन वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, कॉलगेट क्लोजअप का बहिष्कार करेंगे, और अमरीकी वस्तुएं जो हमारे पेम्पलेट में है, आपके पेम्पलेट ले जाइए, इनको ध्यान में रखकर ही अपने घर की वस्तुएं लाएंगे, तो श्री तिलक की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे।